तो गेमिंग बाहर इस लेवल पे आप सोचिए इंडिया में कोई गेम का फिनाले हो रहा है एक स्टेडियम से भरा हुआ है ये होगा इंडिया में 25 2025 100% सम पीपल मिसअंडरस्टैंड मी ए स्काउट एंड दे डोंट नो तन्मय सिंह एक टेबल पे बैठ के मैं सब खाना खाओ आपकी प्रेस्पेक्टेबल दिस इज गोना विद द बिगेस्ट मैप एवर जीटीएस मेड क्लब से लेकर सोलह साल का लड़का हूँ मुझे एक गेमिंग क्रिएशन करियर स्टार्ट करना है अगर आप मेरी जगह होता है तो आप क्या करते है इंडियन मार्केट इज वेरी इन्फ्लेटेड जो सैलरी आप आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे आप बताइए एक ई स्पोर्ट प्लेयर अच्छा जो किसी और साइन दे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, कितना कमाता होगा मैं चाइनीज प्लेयर्स के बारे में बात करना एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वहाँ

इस देश के वन ऑफ द टॉप गेमर्स माने जाते हैं वो भी कंपेटिटिव गेमर्स यानी कि ई स्पोर्ट्स गेमर माने जाते हैं आज मैंने सिर्फ तन्मय भाई से बात नहीं करी मैंने एक ई स्पोर्ट्स एथलीट से बात करी उनके दिल में घुसा उनके दिल के हिम्मत के बारे में मैं जाना और लाइफ में जितने भी डर का सामना किया उन्होंने उन सारी चीज़ों के बारे में बात करी ये एक ह्यूमन ओरिएंटेड पॉडकास्ट है इस पूरे सीरीज की तरफ सोलह एपिसोड है सोलह लेजेंड्स के साथ अपने अपने फील्ड्स के लेजेंड्स वो सभी डर के आगे पहुंच चुके हैं यही है हमारी टी की स्पेशल सीरीज पर आज एंजॉय कीजिए ये गेमिंग और ई स्पोर्ट्स स्पेशल हमारे भाई तन्मय सिंह यानी कि स्काउट के साथ माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज में स्काउट का स्वागत है थैंक यू गाइस कैसे हो मेरे भाई all good भाई ऑल ऑल गुड गुड आज मैं ना ही आपको आपकी सैलरी के बारे में पूछूंगा और ना ही ई e स्पोर्ट्स के फ्यूचर के बारे में पूछूंगा थैंक गॉड बहुत हो आंसर <laughs> आज कुछ नया करेंगे हर कोई ये पूछता है ना अब आदत होगी मतलब छिपका छिपका सेम आंसर मतलब मेरे को भी रट लिया है कि हर जगह पे जाऊंगा तो दो ही क्वेश्चन पूछना है स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है एक साल में कितना कमा लेते हो हम्म पता है पॉडकास्टिंग का चैलेंज क्या है आजकल कि नई से आए हाँ बहुत मतलब आई गेस चीजें बहुत रिपीटेटिव हो गई आज पर ठीक है कोई ना आठ सालों के लिए सर्वाइव कर लिया यूट्यूब पर <laughs> आप कैसे सर्वाइव करते हो सोशल मीडिया पर मेरे लिए तो सोशल मीडिया आई गेस नया ही रहा है चार पाँच साल चार चार साल हुआ गेस टोटल सोशल मीडिया पे उससे पहले तो एक नॉर्मल हम लोग नॉर्मल बंदा जब कॉलेज स्कूल जाता है वैसी लाइफ थी तो ये चार साल हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा है क्योंकि नई दुनिया है, पूरी है अभी तक हम हमारे सामने कभी कैमरा था नहीं अब पूरी जिंदगी कैमरे के सामने निकालनी है सो so, यस लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया खुद को किस नजरिए से देखते हो एक एथलीट के नजरिए से या एक कॉन्टेंट क्रिएटर के नजरिए से टू बी ऑन एथलीट क्योंकि अंदर एक कीड़ा है कॉम्पिटिशन का

बट आई थिंक ई एस फोर्ट एफ सी ई एफ सी जो अभी फीफा था पहले वो मेरे लाइफ का एक मतलब रेगुलर पार्ट रहा है पहले कौनसल नहीं देता मोबाइल में खेलते थे अब कौन से कौनसल पर खेलते हैं क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी में मुझे ये पता है कि एक चैलेंज है कि आप लोगों को बीजेएम के वीडियोज़ पर व्यूज़ आ जाते हैं पर उसके अलावा ज्यादा गेम्स नहीं है जिसपे व्यूज़ आते हैं या लोग ज्यादातर बी जी एम आई के अलावा वीडियोज़ नहीं देखते hmm. ये बदल रहा है कि हाँ ट्रांजेशन हो रहा है बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंस्टेंटली हो जाए टाइम लगेगा उस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी मिड हुए मैं उन कुछ क्रिएटर्स में से जो जिन्होंने रिस्क लिया था लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन हुआ था आगे सबको जब पता है, जब पबजी मोबाइल जब था वो बैन हो गया था तो हम पे कुछ था नहीं करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था या तो वेट करते हैं गेम आने का या तो कुछ नया जनरा पे पैर रखते हैं रिस्क था कि कम व्यूअरशिप मतलब आप समझो जहाँ पे आप लाख दो लाख तीन लाख की व्यूअरशिप देख रहे हो सडनली वो डाउन टू फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड वो व्यूअरशिप को टेन थाउजेंड लेकर जाना इज़ अ वेरी बिग टास्क क्योंकि आप बैक टू स्क्रैच जीरो आ चुके हो आपने दो साल मेहनत की करो जा चुका है सब तो हम लोग ने रिस्क लिया था तो मेरे को आज भी याद है मैं 800 600 वाचिंग लॉकडाउन टाइम में चालू किया था उसको मैं खींच के 10,000 थाउजेंड वीअरशिप तक पहुँचाया था न्यू गेम्स पे सो so, वहाँ से आई थिंक मेरे पास वो ऑडियंस आ गई कि आज के डेट में मैं कुछ भी खेलूँ आई कैन पुल अप अराउंड फोर टू फाइव के व्यूअरशिप एंड आई थिंक दैट्स डिसेंट ऑन और मैं आगे सोच रहा हूँ कि कुछ सालों में वो चीज़ अभी दस पंद्रह बीस हजार जाएगी जहाँ पे आप बैठ के फीफा खेलोगे तो आपको देखेंगे लोग आ, तब डर लगा था जब वो पबजी बैन हुई थी यार खोने के लिए क्या था फिर खोने के लिए कुछ था नहीं ना तो डर कुछ चीज़ का था नहीं अगर पबजी है उस टाइम पर आप रिस्क ले रहे हो तो डर लगता है कि अरे यार व्यवरशिप कम हो जाएगी बट तो पबजी है ही नहीं तो खोने के लिए भी कुछ है नहीं तो वाइक टू स्क्रैच है वेट करने से अच्छा भाई कुछ करते हैं ना रिस्क लेके तभी तो मजा आएगा दो चीज़ होता है या तो भाई हम वेट करते रह जाते बाकी लोग जैसे और गेम तो ऑब्वियसली आना था आ गया हम खेल लेते हैं बट तो खाली जगह पे कुछ ना करने से कुछ कर लेते हैं गेमिंग क्रिएटर्स का माइंडसेट क्या था तब मतलब हर कोई आपके जैसे ही सोच रहा था या अलग अलग माइंड आई थिंक सेवेंटी थर्टी था सत्तर uh, परसेंट लोग वेट कर रहे थे कि गेम आएगा तब हम करेंगे विल स्टिक विल वेट एंड थर्टी परसेंट कहता कि ये टाइम है टू एक्सप्लोर आप एक जंगल में आपको एक जंगल में छोड़ दिया है बहुत कुछ चीज़ें वी आर है पी सी गेम्स है कौनसल गेम्स है माइंड क्राफ्ट है सर्वाइवल गेम्स है आपके पास बतेरा ऑप्शन है और गेमिंग वर्ल्ड ऐसा है ना कि आप एक गेम से दूसरे गेम जाओगे ना आपको नई दुनिया दिखती है रोल प्लेइंग गेम्स जो आर पी जी बोलते हैं स्टोरी गेम्स स्टोरी गेम्स आर मतलब मज़ेदार है तो अनचार्टेड की तरह अनचार्टेड फोर आप ऑब्वियसली आपने खेला होगा दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल्स स्पाइडरमैन ये सब ये सब गेम्स मतलब अलग वर्ल्ड है आप घुस जाता उस गेम के अंदर तो वो टाइम था जहाँ पे मैंने गेमिंग सीखा एक पबजी मोबाइल से एक गेमर में टाइम <laughs> से, से टकैन खेलते थे स्ट्रीट फाइटर खेलते थे <laughs> हम वो टाइम से और वर्चुअल रियलिटी अब आई है उस टाइम उस टाइम के लिए हमारे डक वाली आती थी वो थी वर्चुअल से मार मर रहा है तो वो थी एक

तो बचपन से काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलता था वो एक गेम थे तो साथ में खेलने का चांस मिलेगा खराब खेलेंगे तो बैठ के देखना पड़ेगा तो तो काउंटर स्ट्राइक में आपकी स्टाइल क्या थी हाँ मैं एंट्री फ्राइ करता तो के मारने वाला बंदा था तो एग्रेशन बोलते हैं स्पोर्ट्स से वो यही कंटिन्यू हो मतलब अंदर जाके घुस घुसो अभी भी स्टाइल वैसी है कि थोड़ी सी कैलकुलेटेड गेम खेल दो नहीं आ, ये चीज़ आ, बहुत मेजर प्ले स्टाइल में चेंजेस आते हैं सारे वेटरन्स में या फिर जो बहुत टाइम से गेम खेल रहे हैं कि विथ टाइम आपको समझ आता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट एग्रेशन इट्स अबाउट कैलकुलेटेड और आप रिजल्ट्स क्या निकाल रहे हो तो अब मेरे को समझ में आएगी कि कहाँ एग्रेस करना है कहाँ स्टेप पीछे जाना है पहले लगता था कि दो स्टेप पीछे होता अरे यार हम मतलब डर रहे हैं बट बाद में रियलाइज हो गया यार दो स्टेप पीछे इसलिए जा रहे हैं कि हमें पता है कि वो आगे जाना डम मूव है हर जगह एग्रेशन काम नहीं आता है तो ये चीज़ आई थिंक हर एक्सपीरियंस्ड गेमर जो भी फील्ड में वो गेमिंग कर रहा है वो सीखता है इवन फॉर स्पोर्ट्स अगर आप फुटबॉल का एग्जाम्पल लोगे गए ऑल दंग टैलेंट दे गो फॉर ड्रिबल्स विथ टाइम स्टॉप ड्रिबलिंग एंड द स्टार्ट फीडिंग स्कोरिंग गोल्स फोकस मोर ऑन रिजल्ट आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स रोनाल्डो एंड मेसी दोनों अपने करियर के स्टार्ट में इंसेंट ड्रिबलर्स विथ टाइम टेक्निकल फिनिशर आप रोनाल्डो का अगर यूनट का टाइम आप देखोगे दैट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेज ऑफ रोनाल्डो द मोस्ट द पीपल हु नो बॉल गेम उनको पता है वो दैट वॉज मोस्ट क्लिनिकल फिनिशर एवर और लेजेंड बन चुके हैं पर लोग उस फेज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते लोग बात करते हैं करली हेर ऑन रियल मैड्रिड डायरेक्टली टू मैनचेस्टर बीच में जो फेज आया ना वो सबसे अंडर मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट रोनाल्डो है मोस्ट क्लिनिकल फिनिशर है रोनाल्डो से आपकी ई स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस e ज्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आई फील विराट कोहली ने भी कहा कि वो भी रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेते hmm. प्लस वो दूसरे स्पोर्ट्स भी देखते yes. और कल ब्रॉन्स थ्रो में नए थे शो पर जो डब्ल्यू डब्ल्यू के रेसलर उसके पहले रॉनी कोहल में नए थे और दोनों ने यह कहा कि अगर आपने बचपन में एक अलग स्पोर्ट खेला होता है और अडल्टुड में आप अलग स्पोर्ट खेल रहे हो तो वो पहले स्पोर्ट की वजह से आपको दूसरे स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं क्या आपको ये लगता है कि राइट विंग बैक की पोजीशन खेलने की वजह से या रोनाल्डो से सीख से सीख कर आप ज़्यादा बेहतर ई स्पोर्ट्स एथलीट बने हो आई थिंक रोनाल्डो ने मेरे अंदर एक नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड डाल दिया है वो मैंने उस बंदे को आई थिंक तब से देखा है जब वो मैनचेस्टर पर राइट मिडफील्ड खेलते थे से लेके मैंने वो ट्रांजिशन लेफ्ट विंग स्ट्राइकर सब देखा है तो मेरे को दिखता है कि यार वो बंदा अगर इतना कुछ स्ट्रगल करके इवन आप मेसी को लो मेसी ने जब स्टार्ट किया था वरा में आया था जिस टाइम पर रोनाल्डिनो था ईटो थे उस टाइम के इरा में आके ही आउटसाइंड एवरी तो मैं उन वो देखता हूँ कि उन लोग ने गिवप नहीं करके उन्होंने दस से पंद्रह साल डोमिनेट किया है वो क्यों क्या अगर उनको अगर वो सेटिस्फाई हो जाते या फिर सोचते यार नहीं हो पाता तो उन लोग कब के छोड़ देते और रोनल्डो में से नहीं बन पाते तो वो एक एटीट्यूड अंदर रह गया भले ही नहीं आए कोई चीज़ आपके फेवर में आप कितनी भी मेहनत करो एक मतलब एक ऐसा फेज़ आता है हर इंसान के लाइफ में आपके आपके तरफ से कोई चीज़ होती नहीं है आपके साइड में कोई चीज़ होती नहीं है आपके हर चीज़ आपके अगेंस्ट है आप काम सही कर रहे हो मेहनत एक्स्ट्रा कर रहे हो बट रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है वो एक टाइम होता है कि आप इधर घिसते रहो रिजल्ट का बिना सोचे या तो आप गिव अप करके नया चीज स्टार्ट करो तो मैं तो वही बोलता हूँ वो जो फेज को जिसने सर्वाइव कर लिया ना ही कैन ईजिली अचीव एनी थिंग ई स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं e क्या है आप सवाल समझे यस yes. मतलब अगर आपको और बेहतर बनना है ई स्पोर्ट्स में तो उस गेम को ब्रेक डाउन कीजिए क्या करना पड़ता है आई थिंक पहली बात तो लोगों को समझना होगा ई स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स आसान है जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप एक एथलीट का लाइफ स्टाइल ले तो सुबह उठना ट्रेनिंग जाना अच्छा न्यूट्रिशन लेना जिम जाके खुद पे वर्क करना ये एक स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स एथलीट का स्कड्यूल है सेम स्पोर्ट्स एथलीट का सुबह उठना गेम के अंदर ट्रेनिंग जाना खुद के एम खुद के गेम नॉलेज को इम्प्रूव करना फिर टीम के साथ प्रैक्टिस करना नॉलेज को इम्प्रूव करना मतलब अब जैसे कि हम हम बात करते हैं डायरेक्टली बीजेम की तो इसमें जो चार मैप्स हैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को उस मैप का ए टू जेड आना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी रिज आती है कहाँ कवर है कहाँ कवर नहीं है प्लस आप एक टाइम पे सोलह बाकी टीम से कंपीट कर रहे हो आपको हर प्लेयर का हर प्लेयर का हर टीम का प्ले स्टाइल पता होना चाहिए उन लोग रोटेट कहाँ से करते मतलब बेसिकली इस गेम में क्या होता है आपका आइडिया होगा जोन बनता है जोन छोटा होता है टीम को अंदर आना है जब कॉम्पिटिशन लेवल पर आते हो तो हर टीम प्रोफेशनल है तो सबको पता है जोन में जगह कैसे लेना है वहां पर वही टीम आउटसाइंड करती है जिसको पता होता है कि बाकी पंद्रह टीम क्या कर रही है हम्म तो ये सब मैप रीडिंग करना टीम का प्ले स्टाइल समझना कहाँ गलती हो उस पर वर्क करना ये सेम चीज सारा जाता है मेंटल प्रेशर पे अब जो फुटबॉल और मैं इसको ज्यादा करूँगा मेरे को फुटबॉल में ज्यादा पता है इसलिए फुटबॉल में नब्बे मिनट का गेम है सेम चीज यहाँ पे जो गेम चलता है ये यहाँ पे चलता है थर्टी से फोर्टी फाइव मिनट्स का गेम अब ये बहुत सारे सेक्शन में हो जाता है चार गेम हो गए अगर हो गए अगर आप कंपीट कर रहे हो आपके पास आठ गेम है जब आप पाँचवा गेम खेलते हो आपको पता आपका सिर्फ तीन ही गेम है उस टाइम पर जो मेंटल प्रेशर आता है तो वो प्लेयर को तोड़ देता है आप वहाँ पे डर के सेफ खेलने लग जाते हो जो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है साल भर और वहाँ पे प्लेयर गलती कर देता है इट्स इट्स लाइक नब्बे मिनट हो रहा है स्ट्राइकर पे बॉल आई है उसको डर लग रहा है मैं अगर शॉट लिया बाहर चला गया तो मैं पास कर देता हूँ वो जो खुद को सेल्फ डाउट वाला चीज है ना वो स्पोर्ट्स e में बहुत होता है तो हाईएस्ट लेवल पर एक मेंटल गेम होती है मेंटल गेम पूरा गेम ही मेंटल गेम है स्टार्टिंग से एंड तक मतलब शायद अगर आप एक लो लेवल एथलीट के साथ खेल रहे हो तो टेक्निकल चीजों की वजह से आप उसे हरा सकते हो यस yes, हाँ अगर आप टेक्निकली साउंड हो ऑबियसली आपसे लोअर स्किल सेट स्किल सेट वाले प्लेयर को हरा सकते हो इजीली क्योंकि स्किल डिफरेंस आ जाता है बट एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे एवरीवन इज इक्वली स्किल्ड इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स इन योर हेड तो आप दिमाग को भी ट्रेन कर दो एग्जैक्टली exactly. वहाँ पर काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है आ, ये मैंने कोहली सर से सीखा उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि कोई मुझे अप्रिशिएट करता है तो मैं ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ तो कोई मैं कुछ बोलता है तो मैं ज़्यादा ख़राब भी नहीं मानता हूँ मैं न्यूट्रल रहता हूँ सेम चीज़ ई स्पोर्ट्स में इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं कि कोई जगह मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो ओवर एक्साइट नहीं होना है मेरे को क्योंकि मेरे साथ और तीन प्लेयर्स भी है अगर मैं ओवर एक्साइट होकर कुछ गलती करता हूँ मेरे चलते बाकी तीन भी सफ़र करेंगे

अब अरे यार फिर उसके बाद मेरा बंदा बोल दिया अब यार क्यों नॉक हो रहा है बस बाकी दो बंदे के दिमाग में क्या हो बाकी दो बंदे पहले ही होपलेस हो गए क्या भैया ये दोनों तो गिवअप ही करते हैं हम क्या खेलेंगे गिव अप एटीट्यूड जो होता है ना वो पूरी टीम का वाइब बिगाड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत छोटी चीज है जो नेग्लेक्ट होती है आप कैसे रिएक्ट करते हो जो ऑफिस एनवायरनमेंट्स में भी होता है मतलब जनरली हाँ। लाइफ में भी होता है स्पेशली लीडर्स को रिएक्ट नहीं करना करना है वो इसलिए टीम में एक लीडर रहता है कि जो उस रिएक्शन को कवर अप करता है अगर कोई अपना प्लेयर रिएक्ट कर दिया आप उसको कवर अप कैसे करो अगर आप उसी टाइम पे उसको भर दे रहे हो आप इनडायरेक्टली टीम को ही तोड़ दियो उस टाइम पे सबका मुराल टूट चुका है आपका काम है टूटे हुए मुराल को कैसे साथ पकड़ के जाना आगे कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू फुटबॉल की देन एग्जैक्टली exactly. कि भाई कोई नहीं चल भाई कोई नहीं, नहीं। हो पेनल्टी मिस होता है हम लोग थोड़ी जाके उसको बोलते हैं भाई क्यों मिस कर दिया अरे कोई नहीं पेनल्टी तो मिस हुआ है चल

हल्के से वो हैं टेनिस ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है हाँ लाइक like मैं, मैंने मैंने मार्शल आर्ट करी है तो मैं, मैं मैंने किक बॉक्सिंग बहुत खेला है फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आई गेस मैंने लॉन्ट्रीस बहुत ज़्यादा किया है और मैंने टीम स्पोर्ट्स बहुत खेले बचपन में हॉस्टल में था तो वही होता है ना हॉस्टल में कि यार सुबह सब लोग जो खेल रहे वही खेलते थे तो रग भी हो गई ये सब अलग अलग स्पोर्ट्स बहुत ट्राई किया अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिकेट और बास्केटबॉल को भी अच्छा खेल नहीं पाया तो मैंने तो एफर्ट इतना डाला नहीं तो बाकी ये सब टीम स्पोर्ट्स खेल खेल के बहुत चीज़ें सीखने मिली अब बचपन से एथलीट हो नहीं यार बचपन में पढ़ाकू था मैं हॉस्टल जाने के बाद एथलीट बन गया ओके हॉस्टल ने मेरे को एक बच्चे से एक आदमी बनाया क्यों मैंने मतलब बचपन से यार मम्मी पापा के अंडर था कुछ भी किया तो पता है मम्मी पापा है खाना मिल जा रहा है खाना खिला दे रहे हैं गलती हो रही तो मम्मी डांट देगी बाहर नहीं डाँटेगी स्कूल जाने का पता है एडंट घर पे ही आना है घर पे ही सोना मम्मी पापा के साथ हॉस्टल जाने के बाद क्या था कि यार तुम्हारा सहारा कोई नहीं है तुम जानते इसको नहीं हो और आई थिंक अब के स्टेज में सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि जो डार्क साइड है हॉस्टल को हट चुका है दैट्स रैगिंग बुलिंग वो हट चुका है हमारे टाइम पे नहीं था सोशल मीडिया इतना हमारे इधर हम देखते थे भाई हो रही है रैगिंग <laughs> उधर हो रही है बुलिंग हो रही है आप रैग हुए हम दोनों साइड पर रह चुके हैं लकीली <laughs> हम इतना नहीं हो क्योंकि हम स्पोर्ट्स में थे तो मैं जिनके साथ खेलता था वो सीनियर्स होते थे तो हर टाइम जो चीज़ होती थी मैं बैठ के इस तरफ हुआ करता था तो मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं था बट अफेक्ट भी नहीं हुआ करता था मैं मेरे को पता है भाई ये एवरी हॉस्टल की लाइफ है इसके थ्रू गुजरना है गंदी रैगिंग देखिए गंदी नहीं देखिए क्योंकि वही ना कि हम लोग का ग्रुप ही अलग था गंदी रैगिंग वाला सेक्शन ही अलग हुआ करता था कि वो जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो वो अलग जगह होता था गंदी रैगिंग वाला हम लोग होते थे स्पोर्ट्स वाले लौंडे हम पूरा दिन खेल के आ रहे हैं थके पड़े रात को सो जा रहे हैं तो वही था हॉस्टल वाला हॉस्टल लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया कपड़े धोने से लेके खाना लेट ना पहुंचने ले का खाना ना मिलना वो सब देखा है What were you studying? Uh, हम तक तो ये था, था उसके बाद मैंने साइंस लिया था जोश में के क्योंकि <laughs> <laughs> मार्क्स अच्छे आ गए थे फिर uh, रियलिटी चेक मिल गया hmm. फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया oh, हो? हाँ कंप्लीट करी नहीं okay. छोड़ दी थी ड्रॉप ड्रॉप आउट कर दिया था मैं फुटबॉल के लिए मैं कोलकाता मैं में फुटबॉल में सेमी प्रो था तो मैं मिनरवा में भी था फिर उसके बाद मैं कोलकाता में एक सेकंड डिवीजन टीम के लिए मैं ट्राईट चल रहे थे उस टाइम मेरे को मेरी इंजरी हो गई थी और ए हर फुटबॉल हर अनप्रोफेशनल फुटबॉलर की कहानी हर अनप्रोफेशनल हाँ अगर आप फिटनेस पर ध्यान देते हो नहीं फिटनेस पर भी ध्यान था हमें पता नहीं था न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर क्या था अरे घिसो दस घंटे घिस दो बाद में पता चल कि भाई वाटर इंटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पानी है ना वो बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम हर एक इंसान इग्नोर करता है जो प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि यार सुबह उठे खेल, खेल रहे हो खेल रहे मज़ा आ रहा है मज़ा तो आ रहा है बॉडी तोड़ तो दे रहे उसको ठीक तो करो बाद में जा समझ आया ना यार खाना न्यूट्रिशन प्रोटीन क्या चीज़ होती है बॉडी में क्या इफेक्ट करता है बाद में जाकर लेटेस्ट स्टेज में समझ आया पर इंजरी हुई कैसे और ट्राइव्स का डे था एक दिन पहले

बट uh, ये बहुत गंदी इंजरी होती है बाय द वे एसीएल नी इंजरीज ना बॉडी की सबसे गंदी इंजरीज होते हैं स्पेशली एथलीट्स के लिए बहुत गंदी होती है और आपकी साइकोलॉजी भी बदल सकती है एक इंजरी की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस हट जाता है यार मैंने उसका ट्राई किया नहीं किया फुटबॉल खेलने का ट्राई ट्राई किया बट वो डर रहता है अभी यार इस पेड़ में लग गया तो गया इस पेड़ में लग गए तो गया और डर बैठ जाता अंदर क्योंकि यार आपको पता है एक डैमेज हुआ हुआ है अभी आप फुल पोटेंशियल पे हो नहीं ये वही बात है। हो आपका फ्रैक्चर हो रहा है भले कितना ठीक हो जाए वो हल्का सा कॉन्फिडेंस हट जाता हाथ से ये यार इधर लगी थी तो वो था बट लकीली गेमिंग वर्कआउट कर लिया क्योंकि उसी दौरान पबजी पी लॉन्च हुआ था और हाँ पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि पी खरीद पाए तो हम कैफे में खेलते थे और फ्री टाइम पे मैं बेड पे था तो ढूंढता था मैं कि मोबाइल में कोई गेम तो होगा यार ऐसा सेम पबजी टाइप पबजी सर्च मारता था और किस्मत से पबजी मोबाइल पे आ गई वो इंजरी पीटर पाकर के स्पाइडर की तरह exactly, exactly. <laughs> ये ये इस, ये पहले बोला नहीं था ये बहुत मेरे लिए वो स्पाइडर, मेरे इंजरी थी जिंदगी बदल गई पर सच में जिंदगी बदल गई मतलब ये टू बी ऑनेस्ट हॉस्टल टाइम पे मेरा ऐसा गोल था लाइफ गोल भाई एक लाख कमा लेंगे लाइफ शॉर्टेड एक लाख की जॉब लग गई कहीं पर लाइफ सॉर्टेड इसका की जिंदगी में वो चाहिए ही नहीं विथ दैट टाइम और अब का टाइम समझ आता है कि भाई उस टाइम पे जो सपना था आज हम जी रहे हैं उससे बड़ी चीज़ देख रहे हैं तो ये चीज़ एक और जो मैंने सीखी कि जो एक पता है कोर्ट सब ने कोट सुनी है ड्रीम बिग टू अचीव बिग ये वो एक्चुअल में होता है अब जो सोचते हो ना वही होता है तो हर टाइम ऐसा कुछ गोल सेट कर लो जो आप अचीव ही कभी नहीं कर सकते अनरियलिस्टिक गोल सेट करो लोग बोलते हैं भाई रियलिटी में रहो नहीं भाई ऐसा गोल तीर मारो ना ऊपर कि अगर तुम ऊपर एम लगाओ कहीं तो उसके पास गिरे जाके अपने पोटेंशियल से ऊपर मिलेगा हंड्रेड परसेंट अब क्या है आपका अनरियलिस्टिक गोल मेरा अभी स्पोर्ट्स e में जो गोल है वो है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना है पबजी मोबाइल में बट एज अ गेमर आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द मोस्ट नाउंड नेम इन दर्ल्ड एज ए गेमर की जैसा आंटी ऑलरेडी आई थिंक इंडिया में हूँ मैं वर्ल्ड व्यू कुछ हद तक हूँ बट नॉट एट दैट लेवल इट कि जैसा अगर आप बाहर जाओ और पूछो डू यू नो एनी गेमर्स निंजा डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट श्राउड थ्री नेम्स उनके मुझे तुरंत निकलेंगे मेरे को आई शुड बी वन ऑफ दोज नेम्स किस बंदा स्काउट भी स्काउट फ्रॉम इंडिया वो आना चाहिए उनकी एज क्या मेरे से बड़े हों मेरे से पहले गेमिंग स्टार्ट किए मेरे लिए वो ऐसे लोग जिनको मैं देख के गेमिंग स्टार्ट किया था श्राउड है डॉके मेरा डॉक के साथ कॉलैप हुआ था एक फर्स्ट लॉकडाउन पे ग्रेट पर्सन मतलब वो इतन, वो उम्र में बहुत बड़ा है बट वो एक कैरेक्टर प्ले करता है पिछले दस पंद्रह साल से एंड स्टिकिंग टू दैट तो मैं उसको देख के बोलता हूँ भाई श्राउड एक ऐसा बंद डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट ऐसा बंदा है जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है दस साल से उसने कभी कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं किया अपना किस लेवल का डेडिकेशन और किस लेवल का कॉन्टेंट बना रहा है वो और हम यहाँ क्या कर रहे हैं बट हाँ अभी कॉन्टेंट का नाम अगर ले तो वी वन टू बैक टू बैक बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएशन और इन द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स अवार्ड जिसको बोलते हैं हमारी ऑर्ग जो है एस हमने वहाँ पे हंड्रेड थी ये सबको बीट करके वी बिकेम द बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएशन और इन द वर्ल्ड दो दो टाइम बैक टू बैक और वो हम लोग के लिए था सपना था कि हम लोग पहले सोचते भाई यार ये क्या और गए है बाहर क्या कंटेंट कर रहे हैं आज हम उनको बीट कर रहे हैं so, सो वो मेरे को लगता है कि वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम ये कर सकते हैं

अच्छा एथलीट बन जाता है आई एम श्योर ये ई e स्पोर्ट्स में भी होता है तो जिन तीन प्लेयर्स के नाम आपने लिए आपके आ, मन में उनके लिए जो ओवरऑल है बेस्ड ऑन अगर मैक्सिमम हाँ, है वो बताइए तो मैं उनको अलग अलग फील्ड में कैटेगराइज करूंगा इफ यू टेक कॉम्पिटिटिवनेस श्राउड इज नाइंटी किसको हंड्रेड में दूंगा नहीं बिकॉज नोन इज परफेक्ट नाइंटी इज श्राउड कंटेंट मैं उसको मैं 85 करन दूंगा इफ यू टेक कंटेंट डॉक्टर डिससफेक्ट इज 95 कंपटीशन 80 निंजा आई गेस 85 85 ऑन बोथ ये दो मेन रेटिंग्स हैं यस कंटेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ये दो ही तो है और खुद को आई विल से इन कॉम्पिटिटिवनेस 85 कंटेंट 80 और ये दोनों चीजें बढ़ा सकते हो आप 100% 100% कंटेंट आप कैसे बढ़ा सकते हो ये शायद मुझे पता है एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं वो कंपेटेटिवनेस के बारे में पूछना चाहूँगा वो कैसे बढ़ती है वो रेटिंग टू बी रिलेटेबल इन द गेम्स दैट आर गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट कंपेटेटिवनेस के बारे में यस yes. उस गेम में अगर मैं अच्छा करूँगा तो जो लोग वो गेम खेल रहे तब उन लोग मेरे को देखेंगे मैं एक गेम से स्टिक करूँगा मैं लिमिटेड ऑडियंस तक स्टिक अगर ले लो कि आज फोटनेट अच्छा चल रहा है तो मुझे भी उस फोट उस गेम में अच्छा खेलना पड़ेगा तो वहाँ पे कोई आके देखा अरे भाई ये बंदा भी अच्छा खेल रहा है इसको देखते हैं तो मेरे को गेम टू गेम अपनी स्किल डेवलप करनी है अगर मैं अपना को बंद कर दूँ नहीं मेरे को एक ही गेम अच्छा खेलना है तब इस गेम का क्रेज़ हटता है मेरे पास और कुछ नहीं है शोकेस करने के लिए यू कॉन्ट बी द बेस्ट हंड्रेड परसेंट आप बेस्ट हर चीज़ में नहीं हो सकते क्योंकि जो उस फील्ड के कॉम्पिटिटर्स हैं जो फील्ड में अच्छा कर रहे हैं स्टार्टिंग से वो आपसे बेटर ही होंगे

इन चीज़ों के अच्छा पहले बेसिक फैक्टर्स बताइए और फिर थोड़े से एडवांस फैक्टर्स बताइए जो लोग नहीं जानते आपने तो जो बोला हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो ये अब मैं इसको रिलेट करता हूँ रनिंग से रनिंग एक ऐसा चीज़ है हर स्पोर्ट में वो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं आप क्रिकेट खेल रहे हो आप फुटबॉल भी खेल पाओगे आप सौ मीटर भाग भी पाओगे आप टेनिस भी खेल पाओगे रनिंग सब में डिफरेंस क्या आ जाएगा जब फुटबॉल खेल रहे हो यूनिट बॉडी स्ट्रेंथ ओवरऑल क्रिकेट खेल रहे हो उसमें भी ओवरऑल चाहिए बट यूनिट हाथ का ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए टेनिस में हाथ का चाहिए बॉक्सिंग में एंडोरेंस चाहिए तो सबका अलग अलग फील्ड है सेम गेमिंग में जब आप ट्रांसफर करते हो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्स सेम रहेंगे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा किसी में ज़्यादा चाहिए किसी में कम चाहिए फिर अगर आप गेम्स लोग आपको कंपेरिजन देता हो काउंटर स्ट्राइक एंड फोर्थ नाइट फोर्थ नाइट एक ऐसा गेम है जब आप थिंग्स बिल्ड करते हो तो वहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग ज़्यादा चाहिए और बिल्डिंग स्किल्स आनी चाहिए कि आप चीजें बिल्ड कर पा रहे हो वहीं पर आप काउंटर स्ट्राइक जाओगे यू यूनिट बेटर एम क्रिस्प एम चाहिए सो हर हर गेम में डिफरेंट स्किल सेट है जो सुपेरियर है तो आपको उसको लर्न करना है बट बेसिक चीजें के साथ अगर आपकी डिसीजन मेकिंग वीक है आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते सिंपल आपकी कितनी भी अच्छी एम हो ये वही बात होगी कि भाई आपको फुटबॉल का लाथ मारना आता है बट कहाँ मारना नहीं पता hmm. तो वो चीज़ है एक लेयर डीप जाता है बेसिकली आप कह रहे हो कि अलग अलग गेम्स होते हैं और उन गेम्स के अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं yes. अगर आप एक गेम से दूसरे गेम में ट्रांसफर हो रहे हो आपको उस नए गेम के स्किल सेट सीखने पड़ते हैं yes. सीखने के लिए मेहनत की जरूरत होती हंड्रेड परसेंट तो दैट इज स्किल दिल यगेन की हार्डवर्क करो ये बहुत वनेला चीज है आई थिंक वो ये हार्डवर्क रिपिटेशन कंसिस्टेंसी ये ये चीज तो लाइफ का एक पार्ट है इसको रहना ही चाहिए इसके बिना आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते ये तो पहली बात है कि अगर हार्डवर्क नहीं करोगे लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं कंसिस्टेंसी हर चीज में चाहिए तो ये सब तो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी का पार्ट होना चाहिए इसको आप स्किल में मानो ही मत जैसे कि आप सांस ना वो तो जिंदा रहने के, लेना है। सेम, अगर के आगे कुछ करना तो हार्डवर्क भी जरूरी है तो लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए आप जैसे बड़े बड़े होते जाते हो उम्र में आपको समझ आता है कि वर्क तो मतलब dish... ये वेरी ये इंपॉर्टेंट आज तक मैंने भी मास्टर नहीं करी है डेट इट्स वेरी वेरी हार्ड और ये जो तीन टॉप के गेमर्स हैं इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ी है यस yeah, yes. कि एक में अब क्या डिसाइड कर रहे sure. हो okay. so, उस गेम का एग्जाम्पल देता हूँ बीजे पबजी मोबाइल आपके सामने चार बंदे अब यहाँ पे मैं मारने के लिए चारों को मार सकता हूँ मारने के लिए एक को मार सकता हूँ बट मेरे को डिसाइड करना है मैं किसको पहले मारूंगा तो मैं दूसरे को कैसे मार पाऊँ मतलब एक बंदा मेरे को देख रहा है ऑलरेडी मेरी तरफ देख रहा है उसमें और एक बंदा उस तरफ देख रहा है अगर मैंने पीछे वाले को मारा जो मेरे को स्पॉट नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला बंदा मेरे को मार देगा राइट right? बट अगर मैंने इसको मारा जिस जो मेरे को देख रहा है पीछे वाले को घूम के मुझे देखने में टाइम लगेगा तो मैं सेकेंड को भी मार पाऊंगा तो डिसीजन मेकिंग वो है कि मैं चारों को मारने के लिए किसको पहले पिक करूँ ये हो कॉम्बैट ये सबसे माइनर से माइनर सबसे मतलब सबसे बेसिक वाला ये चीज़ है अब इसमें मैं इसको और एक और लेर डीप लेके जाता दैट्स मैप मैप नॉलेज यहाँ पे आ जाता skill, है स्किल एक टर्म है आईजीएल इन गेम लीडर एक टीम में चार रोल्स होते हैं इन गेम लीडर असोल्टर सपोर्ट प्लेयर फ्री मैन आपको एक्सप्लेन करता हूँ आई जी इज सम्म जो टीम का कॉल लेता है कि फाइट लेनी है नहीं लेनी है हमें जोन ऐसे जाना है नहीं जाना है हमें क्या बेसिकली वो पूरा टीम संभालता है दस आई जी एल फ्री मैन उसको अपने हिसाब से खेलना है उसको टीम से अलग खेलना है खेल सकता है टीम के साथ स्टिक करके खेलना खेल सकता है इन अ फाइट इन अ कॉम्बैट एनी थिंग ही हैज़ द मोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नॉक नहीं हो सकते जल्दी आप मर नहीं सकते बट आपको टीम को हेल्प भी करते रहना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स बनाने हैं सपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट क्रिशियल रूल्स जो बहुत अंडर है उसके बिना टीम कभी नहीं चलती आपके सामने दस किल, दस किल किल्स दिख रहे हैं सबको अंदर से आता किल ले लेते हैं पॉइंट आ जाएगा सपोर्ट का काम है वो किल ना लेना बैक गार्ड करना कि हम जब किल ले रहे हैं कोई दूसरी टीम आके हमें ना मारे अपना ग्लोरी को सेक्रीफाइस करके टीम के ग्लोरी को ध्यान देना गोल कीपर गोल कीपर सम हाँ तो वो होता है और अब जो नाम है असोल्ट मारना है सबसे लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम बट सबसे high skill required वाला काम ये again, comparing to football, आपने 4 -4 की तरह बताया ऐसे exactly. कौन डिसाइड करता है कि है कि यही एक एक होता आप बता रहे हो मतलब यार चार चार mid, 4 -4 -2 में -4 -4 -2 में सब में और सब मिडफील्डर तो खेल नहीं सकते सब में डिफेंडर तो खेल नहीं सकते एक स्ट्राइकर चाहिए जो गोल मारेगा मिडफील्डर चाहिए जो गोल बना के देगा ये डिफ, okay, हाँ। नहीं होता हैं ऑलरेडी आ चुके हैं इट्स ऑलरेडी एडवांस्ड पहले हुआ करता था कि टू बी सुपर स्किल्ड कि तुम्हें गन गेम तुम्हारी इतने अच्छे नहीं होगी कि चलेगा बट तुम्हारी डिसीजन मेकिंग तुम्हें रोटेशन दिलवाना आना चाहिए अब हो गया कि आईजीएल्स आर ऑल्सो हाई स्किल्ड

तो एक असल्टर को इन चारों से आउटशाइन करने के लिए एक्सट्रीम लेवल की स्किल सेट कैरी करनी पड़ती है टू बी एन असल्टर अब पहले क्या कह रहे थे आप आई को लेकर कुछ कह रहे थे हाँ तो आई बेसिकली जो होता है कि जो सबसे मेरे को जो लगता है जो टीम को कंट्रोल करता है कि उसके हाथ में चारों की लाइफ है उसकी एक गलत डिसीशन सब मर जाएंगे उसकी एक अच्छी डिसीशन जोन में जगह मिल जाएगा ये रोल सिर्फ पबजी में नहीं है एवरी स्पोर्ट में हर टीम में एक आई रहता है जो कॉल्स देता है बोलते है जैसे कि आप फुटबॉल में अगर लेंगे आप मिडफील्डर होता है या फिर डिफेंड मोस्टली मिडफील्डर रहता है कि ओवरलैप करो गेम को ज़्यादा पेस हो रहा है स्लो डाउन कर दिया स्लो पासिस खिलाए ज़्यादा भसड़ हो रहा है विंग चेंज कर दिया लाइन चेंज करवा दी ये सब करता है तो सेम से आई का है तो आई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बट द सेम टाइम बहुत कम आई होते हैं इस स्पोर्ट में जो हर चीज़ कर पाते हैं आई जी फाइन करना बहुत हार्ड रहता है एक टीम में अब IGL हो। मैं मैंने मतलब मैं इतना ज़्यादा खेल दिया हूँ आई कैन प्ले ऑल द रोल्स विथ टाइम बट माई मेरा मेन रोल है असल्टिंग तो मैं जब अपना करियर का स्टार्ट में हूँ एज as एन असोल्टर स्टार्ट किया था सिर्फ मारना है क्योंकि तब जस्ट गेम स्टार्ट हुआ था तब मेरे को कुछ आइडियन था आई जील क्या होता है फिर धीरे धीरे असल्टर से आई बना फिर बीच में मैंने जब कोविड टाइम पर गेम छोड़ दिया था तो मेरी स्किल सेट वहीं रहेगी बाकी लोग हो गई तो फिर मैं सपोर्ट बैक बैक हैंड पाना पड़ा सपोर्ट खेलना पड़ा सपोर्ट इसलिए खेल पाया कि मुझे पता है कि मेरी स्किल सेट उतनी है नहीं तो एक काम करता हूँ टीम को हेल्प करता हूँ फिर विथ टाइम वापस मैंने अपनी स्किल सेट अप कर दी तो नाउ आई एम बैक इन असोल्टिंग अगर आपने फुटबॉल से दो महीने की ब्रेक ली होती है आ, बॉल आपकी दिमाग की कभी कभी सुनता नहीं नहीं बट ऐसा होगा कि आपके जो बहुत सिंपल स्किल के हिसाब से बताता हूँ फुटबॉल का अगर आप विंगर हो तो मोस्ट बेसिक स्किल इज पुशिंग द बॉल एंड रनिंग बिहाइंड इट दो महीने नहीं खेलोगे आप बॉल मार तो दोगे आपका सो स्पीड नहीं है भागने की तो वो हो जाता है कि आप दिमाग में सोचते कर सकते हो स्किल ही नहीं है आपके तो वो चीज करने की टाइम दो गेट बैक द पेस गेट बैक योर स्किल्स एंड गेट इन द गेम मतलब आपका नर्वस सिस्टम भी ट्रेन होता है ये मैंने क्रिकेटर से सीखा है युजमेन्द्र चहल आए थे शो पर हाँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप लेग स्पिन बोल कर लेते हो तो ऑफ स्पिन क्यों नहीं बोल करते तो उन्होंने कहा क्योंकि फिंगर्स में आपका नर्वस सिस्टम वर्क हो जाता है उस तरह

जो खाली बंदे मार रहा है एक्चुअल फ्रैगिंग होता है जो किल्स उठा पा रहा है इट मीनस आप जोन में हो इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने किल ले रहे हो यू आर स्टीलिंग किल्स हर एक किल एक पॉइंट होता है बेसिकली तो कहीं और फाइट हो रही है आप नॉक किसी किसी और ने बंदा मारा है आपने उसको फिनिश कर दिया आपको पॉइंट किल स्टील करना ये भी एक एबिलिटी है जो सब में नहीं होती है ये कुछ प्लेयर्स में नेचुरली होती है मैं तो ये मानता हूँ कि नेचुरली उन लोग अच्छे इतना अच्छे होते हैं उनको किल स्टीलिंग आती है या उनको आप कहीं भी डाल दो तो तीन चार पॉइंट तो निकाल के दे ही देंगे टीम को। हम डिसीजन मेकिंग के बारे में ऑडियंस हाँ, yes. okay. e को या गेमिंग कंटेंट की ऑडियंस को ऐसी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगेगी ज्यादा इंडप जा रहे हैं आई uh, थिंक बहुत सारे लोग जो गेमिंग फॉलो करते ये, ये हो गया प्रो, प्रो सीन्स प्रो लेवल पे क्या होती है तो तो ये ये सारे प्लेयर जो जो देख रहे हैं वो तो करेंगे पर लोग का करते हैं, उन के लिए बहुत important है क्योंकि आज तक नहीं बताया कि खेल तो एक प्रोफेशनल के दिमाग में क्या चलता है hmm. आप वो किसने नहीं बताया आज तक चलो अब, अब, अब की के बार में बात करते हैं हम लोग नहीं नहीं, <laughs> <फाकें>, <laughs> नहीं जानना है

एक मंथ में एक प्लेयर कितना कमा लेता बीस पच्चीस लाख टू मच सिर्फ सैलरी एक अगर आप एक और गो मैं एक प्लेयर हूं आपने मुझे साइन किया अच्छा ब्रांड डील्स के बिना ब्रांड डील्स के बिना जस्ट एक सैलरी जैसे आदमी जॉब जा रहा है उसको अगर साठ हजार की जॉब है तीन लाख द बेस सैलरी स्टार्ट फ्रॉम वन लाख लाख से एक प्लेयर की सैलरी स्टार्ट होती है इट गोज टू थ्री लाख थ्री से डिपेंड करता है कि वो प्लेयर कितना बड़ा है

गारंटी क्या है कि आप वो एक लाख जो अगर आपको मैं एक लाख रुपए दे रहा हूँ मैं बारह महीने में आपको कितना दे रहा हूँ बारह बारह लाख तो बारह लाख कितना गारंटी का बारह लाख वापस आएगा सीरो अभी एक बंदी की होगी एक टीम में चार लोग आते हैं दो सब्सिट्यूट आते हैं एक कोच आता है एक एनालिस्ट आता है कितने लोग की स्कॉट हो गई है आठ से नौ आठ पकड़ के चलते हैं पर प्लेयर अगर लाख रुपए तो लीस्ट लाख रुपए डालते हैं तो आठ लाख रुपए पर मंथ जा रहा है बारह इसको वापस कितना अमाउंट हो गया ये सिर्फ सैलरी है रहने का खर्चा आने जाने का खर्चा ट्रैवल मतलब मिनिमम डेढ़ से दो करोड़ का खर्चा होता है जस्ट टू रन एग्जैक्टली मिनिमम अब आप वहां से कितना ही कमा लोगे इनकम सोर्सेज प्राइज मनी प्राइज मनी एंड इफ यू कैन गेट सम ब्रांड्स ब्रांड्स आए लिस्ट में ब्रांड्स वर्क करेंगे अगर आपका कोई बड़ा नाम है टीम में अगर आप खुद बड़े हो जैसे डिफरेंट सिनारी हो अगर आप चार बंदे हो अगर आठ लोग की स्कॉड है उसमें कोई नाम बड़ा है ही नहीं तो आपका इस ब्रांड कैसे आएगा पर और ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में अब ये चीज़ आई गेस कभी देखो मैं तो क्रिएटर हूँ तो मैं वो वाला साइड कभी देख नहीं पाया हूँ कि जहाँ ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं

थोड़ा भी नहीं बहुत बड़ा मतलब अगर समझ लो कि सेवेंटी uh, थर्टी प्राइस फुल रखते हैं सेवेंटी जाएगा प्लेयर्स पे थर्टी परसेंट और पे आता है वन सी का अगर टूर्नामेंट हुआ उसमें से फर्स्ट पोजीशन को अगर मिलता है सिक्सटी लैक्स उसका थर्टी परसेंट कितना होगा वो आपको मिलेगा टी डी एस वीडियस का अब कितनी गारंटी है कि आप सारे टूर्नामेंट साल में जीतोगे नियर टू इम्पॉसिबल आप उतने पैसे जितना इन्वेस्ट कर रहे हो और वापस ला पाओ और किसी भी स्पोर्ट में लक का फैक्टर होता ही है एंड ये लोग जो बोलते हैं ना कि भाई यार स्किल बेस्ड पे हूँ मैं नहीं भाई तू सही टाइम पे सही जगह पे था मैं खुद ये बोलता हूँ कि अगर मेरा ए नहीं जाता तो और कोई स्काउट बन गया होता मैं नहीं बन पाता स्काउट मैं सही टाइम पर सही जगह पर था मैं ये मानता हूँ हर स्पोर्ट में मानता हूँ ये कोई माने ना माने अगर आप कितनी भी हाई स्किल्ड हो सही टाइम पर सही जगह पर नहीं होना तो आप पे स्पॉटलाइट नहीं आएगी तो टेक्निकली आप पैशन की वजह से ई स्पोर्ट्स टीम को रन कर रहे हो ई स्पोर्ट्स की पैशन की वजह से यस yes. पर यू आर होपफुल कि पैसे बढ़ेंगे विद टाइम या एंड मेनली एक चीज है ब्रांड मनी तो यू आर यू आर प्रिडिक्टिंग ब्रांड मनी बहुत ज्यादा बढ़ेगा विद टाइम फॉर ई स्पोर्ट्स यस यस yes, yes, मैं वही सोचता हूं कि ब्रांड्स और आए मार्केट में जो ई स्पोर्ट्स टीम्स पे पैसे लगाएं तब जाके वो चीज़ इजी होगा एक और ग्रैंड करने के लिए अगर आप बाहर देखते हो बाहर की कोई भी ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में आई थिंक काउंटर स्ट्राइक एंड ऑल जो सो गेम्स बाहर चलते हैं वहाँ पे ब्रांड्स बहुत है नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स बट ई स्पोर्ट्स के लिए और आज के डेट में भी इंडिया इंडिया से ग्रोइंग स्पोर्ट इंडिया में गेमिंग जस्ट बढ़ रही है स्पोर्ट्स बढ़ रही है अभी टाइम है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी ब्रांड्स आएंगे इंडिया में अभी टेन ही गेमिंग हुई है अभी इंडिया ने गेमिंग देखी नहीं है क्या है गेमिंग अगले तीन से चार साल में आई गेस म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री कंबाइंड उनसे ज्यादा कमाएगा हम्म hmm. ओके okay. ये भी हर गेमिंग वीडियो में कहा जाता है कि म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री से पर पर लोग अक्सर गेमिंग पब्लिशर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं यस yes. आप कह रहे हो कि सिर्फ ई e स्पोर्ट्स के थ्रू दैट विल ओवरटेक नो ई स्पोर्ट्स एंड कॉन्टेंट ये दोनों मिला के गेमिंग में मेरे नजरिए से आई थिंक ब्रांड वर्ड ज्यादा इंटरेस्टेड है ई e स्पोर्ट्स में अब

100%, 100%. Okay. Uh, है मेरे पास और सवाल इससे रिलेटेड, uh, खुद किया। जो हमने के बारे में बात करी आपने उन तीन प्लेयर्स को नेम किया टाइम hmm. उनकी इट्स मोर देन टेन इयर्स प्लस वहां ब्रांड्स का एक रोल रहा है उनके ओवरऑल बढ़ाने में इनडायरेक्टली पैसे आ गए पैसों को री किया इन बेटर इक्विपमेंट हाउसिंग वगैरह एक्जैक्टली उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हंड्रेड परसेंट और आई थिंक बेटर फैक्टर ये मेजर फैक्टर जो अब uh, प्ले करता है रोल प्ले करता है वो है आज के डेट में क्या चल रहा है आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी बड़ी हो चुकी है एवरी वन ओन् नाइस मोबाइल फोन जो हर चीज़ रन कर सकता है तो आई थिंक अभी का जो जनरेशन है वो वो गेम ज़्यादा खेलता है जो मोबाइल में अवेलेबल है और इंडिया में आप देखोगे तो थर्टी से ट्वेंटी के में अच्छी मोबाइल मिल जाती है बट वहीं पर अगर आप एक पी लेने जाओगे फिफ्टी के सिक्सटी के सेवेंटी के एक अच्छा गेमिंग पीसज़ वन लैक सो so, आप सोचिए ना अगर आप एक मिडिल क्लास लड़के हो तो आप क्या ख़रीदोगे गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन आप क्या देखोगे जो गेम मोबाइल पे चलती है तो अभी मोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सो hmm. so, मेरे को ये लगता है कि गेमिंग मोबाइल मोबाइल का जो है मोबाइल गेमिंग जो पहले मोबाइल गेमिंग को बहुत लुकडाउन करते थे लोग

मैं मेरी एक्सपर्टीज नहीं इधर बट आई पर्सनली फील कि आप ऑडिय आपकी ऑडियंस आपसे कितनी कनेक्टेड है hmm. आपकी कम्युनिटी कितनी तगड़ी है आपकी कम्युनिटी कितनी तगड़ी है कि ब्रांड आपसे तब खुश हो पाएगा अगर मैं एक ब्रांड हूँ आप एक क्रिएटर हो मैंने आपको स्पॉन्सर मैं आपको स्पॉन्सर दूँगा सिर्फ वही रीजन के लिए आप मेरा सामान बेच पाओ सिंपल सिंपल फंडा एकदम ले मैन लैंग्वेज मैं, लें मैं ब्रांड हूँ एक क्रिएटर है मैं उस क्रिएटर को इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि वो क्रिएटर मेरा सामान को अपने ऑडियंस तक पहुँचा पाए बस थोड़ी अनकंफर्टेबल चीज कह दू हंड्रेड परसेंट ये कॉन्टेंट क्रिएटर का ट्रूथ है ब्रांड्स um, का बहुत बड़ा रोल रहता है Honest, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में ठीक है वो लिटरली हमारे पार्टनर्स की तरह होते हैं पर द ट्रूथ इज दैट हर कंटेंट क्रिएटर को एट सम पॉइंट और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मेरे मेंटर्स कहते हैं हाल ही में मैं निखिल कामत के पॉडकास्ट पे गया था वहां निखिल कामत डेली तन्मय भट्ट प्राजक्ता थे चारों ने यही कहा कि यार एट सम पॉइंट आपको खुद का कुछ बनाना पड़ेगा या तो खुद के प्रोडक्ट्स या तो खुद के सर्विसेज कुछ एसोसिएटेड बिजनेस बनाना बनाना पड़ेगा रिलेटेड टू योर कंटेंट और वहां से आपकी इनकम ज्यादा पड़ेगा ये आपने बोल दिया बड़े लेवल पे ये होता है बड़े लेवल पे वंस यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग आप तब वो कर सकते हो आप स्टार्ट ही वहां से नहीं कर सकते ना आपका प्रेजेंस आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए वो करने के लिए आपकी कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप सामान बना के किसको बेचोगे वो सामान बेचना आपके पास दस लोग चाहिए जिनको आप दे पाओ अग अगर आपके पास कोई है ही नहीं आप किन को दोगे ब्रांड बना के तो पहले खुद की कम्युनिटी बिल्ड करनी बहुत जरूरी है और आपको इन जनरल पता होता है आपकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है ये ब्रांड से किसी को पता नहीं है आपको पता कि आपकी कम्युनिटी का कितनी बाइंग पावर है आप कितना सामान बेच सकते हो वो सामान अच्छा है कि नहीं है आप कुछ प्लान कर रहे हो ऐसा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में तो यही प्लान है बट मैं इस चीज़ को रश नहीं करना चाहता मैं कल को उठ के ऐसा नहीं चाहता कि मेरी जो कम्युनिटी जिन्होंने मेरे को देख के कुछ चीज सीखा है कल को ऐसे बोलिए स्काउट ने हमको ये फालतू चिपका दिया आई नीड इट टू बी वेरी गुड क्वालिटी जो अगर मैं उस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकता ना तो मेरे फैंस के लिए भी नहीं हो मैं, मेरा ये मानना आइडियाज है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है बट वही चीज़ है ना कि अच्छी क्वालिटी हुई मतलब चीजें महंगी हो जाएगी हम स्काई रॉकेट प्राइसेस भी नहीं ला सकते हैं मैं ऐसा सामान बनाना चाहता हूं जो मैं था दस साल पहले गेमर जो कैफे जाता था उसको बेच मैं 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 अगर मेरा मैं, मैं अपने पास्ट का सामान बेच पाऊंगा ना मैं आज की जनरेशन में बेच सकता हूँ सिंपल मैक्सिमम कैप आउट इन टर्म्स ऑफ रुपीज था रुपीज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टेक एन एग्जांपल ईयरफोन्स आई थिंक गेमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स जो एक सबसे कम लेवल पे भी आदमी मोबाइल में खेल सकता है हाईएस्ट लेवल पे भी गेमिंग पीसी पे बंदा हेडफोन लगा खेल सकता है सो so, अगर आप हाईएस्ट लेगे आई थिंक थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड टू फोर थाउजेंड के बीच में रेट एंड आप लो इफ यू टेक उसी का चीपर वर्जन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड बट क्या हम उस हज़ार से पंद्रह सौ में अच्छी ईयरफोन प्रोवाइड कर सकते हैं दैट्स द मेन प्रॉब्लम क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है क्या बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बहुत चीज़ें अंदर आती है मैटर करती है अलग दुनिया, अलग वो, अल, वो अलग <laughs> दुनिया है तो मतलब वही ना कि आप सस्ते में चीज़ें चिपका सकते हो लोग बोल रहे हैं भाई पाँच में ईयरफोन है भाई लोग खरीद लो खरी भाई पाँच में भाई सस्ता ले लेते हैं और कल को तीन महीने में ख़राब हो गया क्वालिटी अच्छी नहीं आई गाली किसको पड़ेगी हमें ट्रस्ट किसका टूटा आपने जो चार साल से मेहनत करके कम्युनिटी बनाई है चार साल लगे कम्युनिटी बनाने में पाँच मिनट लगा रश तोड़ने में वो चार साल का तो बहुत बड़ा स्टेप रहता यह जिसके लिए लोग अगर रश करेंगे तो आपकी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा अगर आप रश नहीं करोगे अच्छे से करोगे भले ही आप ज़्यादा मत करो यार चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैंने हुड़ी बनाई बढ़िया सी जो मैं रेगुलर पहन सकता हूँ मैंने सिर्फ तीन पीस बनाया अगर वो अगर मैं उसको रोज़ पहन सकता हूँ अच्छा लगे वो मेरे को ये नहीं दिखा स्काउट का है वो बस वो बंदा पहन के कहीं भी अगर पार्टी में जा सकता है बाहर घूम सकता है तो वो बंदा मेरे को आके बोलेगा स्काउट भाई और बनाओ और डिज़ाइन चलाओ हमें बढ़िया लगी ये चीज़ तब मैं आगे बना सकता हूँ बट अगर मैंने वही चीज़ को सस्ते बना के दे दिया उसके डिज़ाइन फेड हो रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो बंदा दूसरी बार क्यों आएगा मेरे पास कभी नहीं आएगा तो ये जो गेम है कि खुद का ब्रांड बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ा स्टेप है और ये लास्ट स्टेज होता ही है ये क्रिएटर का बोलते हैं ना कि ये पूरे केक के ऊपर का चेरी हो फाइनल फॉर्म फाइनल है एंड गेम है वो एंड गेम है अगर आप वो एंड गेम करना है तो पहले वो बेस-वेस को इतना तगड़ा बनाओ कि वो एंड गेम जब डालो ना मजा आए देखने में बेस ही अगर चार लोग का है एंड गेम कितना भी तगड़ा बना दो क्या फायदा हां <laughs>

क्योंकि आपने राइट विंग बैक की कोचिंग कभी ली है लाइफ में आप कोचेबल हो जा yeah. वो कोचेबिलिटी का फैक्टर रहता है और फिर आपके ऊपर है कि आपको कितनी दूर लेके जानी है वो yes. तो ये मैं बस आप कह कि आप, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा है मैं आपको कोच नहीं कह कर <laughs> <नहीं, laughs> जब कि अभी जो टीम है टीम का नाम है टीम एक्सपार्क तो उसमें मैंने चार न्यू जनरेशन प्लेयर्स लिए हुए हैं तो उन लोग बोलता है आप साथ ना भले ही आप मत मैथ्स में देखो बट आप साथ है कि जब बताते हो ना भले वो एबीसीडी कुछ भी कचरा हो मतलब बात में वो दम रहता है कि हमें फील होता है हम कर लेंगे क्योंकि जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बेस्ट टीचर्स भी बन जाते हैं या एंड आई फील यू डोंट नीड टू बी वेरी हाई स्किल्ड प्लेयर टू बी अ वेरी गुड कोच और अ वेरी गुड गाय हु कैन लीड अ टीम आपके अंदर सात लीडरशिप क्वालिटी कि लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं होती है ये बहुत सुना होगा सब ने यार स्पोर्ट्स में लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ये वो है पहले मेरे को जो बंदा बहुत अच्छा खेलता है वो अच्छा कोच है बस बाद में समझा नहीं यार वो है, वैसा सी, सीन है ही नहीं है, है ही नहीं पूरा पीपल मैनेजमेंट सबसे कोर स्किल होती है पर अब आ, मैं आपके दिल के अंदर घुसूंगा स्काउट भाई जरूर तो ये हमारा एक ग्राउंड है डर से जीतता ग्राउंड जहां मैं आपको थोड़े से साइकोलॉजिकल सवाल पूछूंगा फियर रिलेटेड Uh, आपको जानने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पॉडकास्ट के सेकेंड हाफ में और गहरी कॉन्वर्सेशन भाई okay, so yes, yes, yes. okay, तीन सवाल है आ, आराम से आंसर दे सकते हो और शायद मैं टेंजेंशियल सवाल पूछूंगा ठीक है ठीक है रैपिड फायर राउंड बिल्कुल नहीं है ओके okay. <laughs> तो uh, पहला सवाल यस स्काउट भाई उस एक दिन के बारे में बताइए जहां एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान आपको डर लगा था hmm. ये हैवी क्वेश्चन है <laughs> डर तो सब में लगता है यार आई uh, थिंक ये था चाइना में ये बहुत फेमस टूर्नामेंट था पी एल आई थिंक पीई सी नॉट पीसी, एल पीएल, सी Uh, तो वहाँ पे था कि हर कंट्री से टीम्स को इनवाइट किया गया था टू प्ले अमंग ईच अदर और सारी टॉप टीम्स थी और पहली बार हम लोग ने चाइनीस लॉबी पे जाके चाइना के चाइना का गेम पबजी नहीं था वो पबजी जैसा अलग गेम था सेम कॉन्सेप्ट हर चीज नाम अलग था हम वहाँ पे आके चाइना में चाइनीज ऑडियंस के सामने चाइनीज चाइना के टॉप टू टीम्स का अगेंस्ट कंपीट कर रहे और वर्ल्ड के हर कंट्री से टॉप टू टॉप टू टीम्स आई है टॉप टू टॉप थ्री टीम्स आई है डे वन ऑल द इंडियन टीम्स आद द बॉटम डे टू लास्ट डे था दो दिन दिन का था डर पता क्या था इंडिया जाके क्या मुंह दिखाएंगे वो बहुत अंदर से यह हो गया था कि भाई लास्ट तो यहाँ नहीं आ सकते यार यहाँ खुद के लिए नहीं खेल रहे हमारे नाम के आगे एक झंडा लग रहा है वो चीज़ का एक डर रह गया था अंदर कि कुछ भी हो जाए भाई इस झंडे के साथ नीचे नहीं आ सकते हम लोग वो एक डर ने सफ अंदर का जो है ना कि प्लेयर को इंटू अटेंडेंस बेटर बनाया था और ये सिर्फ उस टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट में को डर रहता है कि वो झंडे के साथ मैं भले ही खुद के लिए खेल रहा हूँ मैं लास्ट आ जाऊँ मेरे को कोई दुखी नहीं है दुख नहीं है मैं आगे इंप्रूव कर लूंगा भाई वो झंडे के साथ न कुछ भी हो जाए भाई आउट ऑफ तो द वर्ल्ड खेलना पड़े अपने कंफर्ट लेवल के बाहर जाकर कुछ अलग करना पड़े जो दुनिया ने नहीं देखा हो वो कर देंगे बट उस झंडे के साथ नीचे नहीं आना है ये आपके अंदर का राजपूत बात कर रहे हैं ये मेरे अंदर का हर चीज बात कर रहा है वो झंडा लगता है कि अलग, अलग है भाई वो वो मतलब तो कोई भी दुनिया में कुछ भी आ जाए वो झंडे के को ऊपर कोई चीज नहीं मिल रही है तो क्या हुआ दूसरे को? बस वो एक एड्रेन आया बाहर और आउट परफॉर्म कर, कर दिया सबको वो लास्ट पर जम मारे और मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट कर दिया जहाँ से मेरे को दुनिया जानने लग गई अब बदले एज एन एथलीट वहाँ पे तब तक मेरे को सिर्फ लोग जानते थे इंडिया में उस टूर्नामेंट का वर्ल्ड वाइड लोग मेरे को जानने लगे जो गेम को फॉलो करते थे कि इंडिया से भी एक प्लेयर है जिसने ये करके दिखा दिया सो बेसिकली आई हैव द हाइस्ट रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड मी एंड वन मोर चाइनीज प्लेयर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल किल्स इन अ चाइनीज टूर्नामेंट इन अ चाइनीज चाइनीज टूर्नामेंट बेसिकली एक होता है अपने तो नेशनल सर्किट एक होता है वर्ल्ड uh, चैंपियनशिप और एक होता है चाइना के अंदर ही एक चैंपियनशिप चलती है तो चाइना की लेवल को सबसे टॉप लेवल मानते हैं तो वहाँ पे जाके आए उनकी लॉबी में हाईएस्ट किल करना वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल इस राउंड के बाद मैं चाइनीज प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वहाँ कि इकोसिस्टम ऐसा क्यों है या yeah. ओके okay. दूसरा सवाल किसी भी स्पोर्ट में जीतने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है मैचेस से पहले आप अपने दिल में हिम्मत कैसे लाते हो आग बंद करके बैठता हूं हिम्मत नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कंपोजर कामनेस एंड कॉन्फिडेंस ये कंपोजर कामनेस और कॉन्फिडेंस ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हिम्मत इस रॉन्ग वर्ड आई आई विद से क्योंकि वो एड्रेन ले आएगा अंदर ओवर एक्साइट कर लेगा कि चल करते चल करते वो नहीं चाहिए शांति से रहोगे तो अपना बेस्ट दे पाओगे ज़्यादा डरोगे तो भी खराब खेलोगे ज़्यादा खुश हो जाओगे तो भी खराब खेलोगे शांति से किसी को कुछ नहीं बोलता मैं चुपचाप बैठता हूँ क्या करना है फोकस एंड डू इट मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है। स्टेबिलिटी करेक्ट वर्ट स्टेबिलिटी क्योंकि वो मैं, मैंने वो दोनों फेज देखा मैं वो एक, ओवर एक्साइड होकर भी खेला हूँ एकदम ऐसा लो कॉन्फिडेंस में खेला हूँ बट मे को बेस्ट रिजल्ट मिलता है जब मैं स्टेबल रहता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ नहीं यार बस आग बंद करने से क्या है दुनिया की ये चीज़ें कुछ नहीं आती ना कोई कुछ कितना कुछ बोल रहा मतलब ही नहीं बनता आग बनकर बस गेम का सोच रहा हूँ पिक्चराइज कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूं अगर कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा तो मैं आग बनकर एटलीस्ट खुद की लाइफ में मैंने ये नोटिस किया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस अलग हो सकता पर जब मैंने स्ट्रेचिंग की शुरुआत की लाइफ में बहुत बदला दिमाग में बहुत बदला स्टेबिलिटी आ गई मेरे में एंड वो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ी जब मैंने ब्रीदिंग

कभी मैं बहुत हो जाता हूं कभी भी पॉडकास्ट की वजह से और रॉन्ग uh, थॉट आने लगते हैं मेंटल खराब होती है मतलब पता है मेरे को मैं मैं ये चीज़ में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जब आदमी अकेला होता है ना दो दो वे में चीज आ सकती है या तो एकदम ही पॉजिटिव या तो एकदम ही नेगेटिव hmm. नेगेटिव कब जाती है जब आपके आप सोचते हो नेगेटिव लोग बोलते हैं ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्या सोच रहे हो नहीं भाई आप जो सोचोगे वही होगा आपका दिमाग क्या है इमेजिनेशन आप जितना अच्छा इमेजिन करो ना खुद को डाउट नहीं करके आदमी इमेजिन करो ना अच्छी चीज़ें खुद के लिए तो अच्छा ही होता है वो मैं मैं हुआ हूँ एकदम जोन में भी गया मैं कि ब्रो अगर ये हो जाएगा क्या होगा ये डर वर होता है ये चीज़ और खुद को आदमी वो पूरा खा जाता है आ, एक और पॉडकास्ट एपिसोड से मैंने ये सीखा है कि बेसिकली अगर आप नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट्स होते हैं सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक

जब हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसका कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन इज एक्जैक्टली स्ट्रेचिंग hmm. कूल डाउन का तो मतलब ऐसा, ऐसा लगता है कि भाई हम साथ मतलब एक घंटा स्पोर्ट खेला कूल डाउन करके तो ग्राउंड पे लेटते हैं ना ऐसा लगता है भाई हम आसमान में hmm. मैं, वो, मैं वो रिलेट करने का सोच रहा कि मैं कहीं पर तो फील लिया है आई थिंक दैट्स एक्जैक्टली स्ट्रेचिंग इज कूल डाउन राइट या सेम लॉजिक यही है लॉजिक तो दोनों चीज़ें एक ही हो रही है उसमें भी हम स्ट्रेच करके कूल डाउन कर रहे हैं बॉडी को और फिर हम लोग वो जो दो तीन मिनट का जो रेस्ट लेते हैं वो एक अलग वाली रेस्ट है वो मतलब वो कंपैरिजन है ही नहीं कि तुम रात को जो सो रहे हो या फिर अच्छी नींद ले रहे हो वो स्ट्रेचिंग के बाद जो एक अलग ही रिलीफ मिलती है आपको लगता है कि ई स्पोर्ट्स में स्ट्रेचिंग हाँ है।, है ये सब यस दिमाग के लिए दिमाग के लिए भी बैक वैक सब कुछ मतलब बॉडी एनर्जी होनी चाहिए आप फुल ऐसे होने चाहिए कि यू कैन रन वो वाला बॉडी खुला वा होना चाहिए नहीं तो क्या होता है ना अगर आप ऐसे ऐसे मरके मर के खेल रहे हो ना आपको नींद आती है नींद तो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएगा आदमी ध्यान नहीं दे पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अटेंटिव नहीं रह पाएगा बहुत कुछ चीज जब मैं फीफा खेल रहा होता हूँ तब शायद दस पंद्रह खेलने के बाद मेरी परफॉर्मेंस नीचे चले जाती है फैक्ट है 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 सबके सबके साथ साथ होता है? साथ होता है। तो क्या ई स्पोर्ट्स एथलीट्स के साथ ये गेम गेम होता है देन इसलिए तो लिमिटेड कॉम्पिटिशन में लिमिटेड गेम्स होते हैं लंबे बहुत सारे गेम्स नहीं होते ना छह सात सात तो बहुत बोलते हैं पांच गेम चार गेम छ गेम बस डन फॉर द डे नेक्स्ट डे होते हैं इसलिए अलग अलग दिन में होते हैं मैचेस कराने के लिए एक दिन में दस मैच खींच दो बट एथलीट पाँच मत वो घिस जाता है यार बट एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा होता है अब सेम चीज पहले बात रिपीटिवली तो कर रहे हो गेम अच्छे गए तो खुश हो सोलह टीम में कितने गेम अच्छे जाएंगे एक का जो जीत रहा है बाकी पंद्रह का दिमाग खराब हो रहा है ना जो सेकंड आ रहा है वो भी किसी रीजन के लिए सेकंड आ रहा है क्योंकि वो जीत सकता था बट सेकंड आ गया

जिस दिन ख़राब खेल उस दिन ये लेके चला था भाई कल फाड़ना है भाई कुछ भी होता है ऐसी शक्ल लेके नहीं जा सकते पर आपने कुछ ऐसे किया स्पेशल नहीं मैं हाँ तो मैं बेसिकली मैं उससे पहले सबसे मिल रहा था चिल मार रहा था सबसे एकदम मजाक मस्ती चल रहा था उस दिन के बाद परफॉर्मेंस इतना गंदा इतना गंदा भगने के बाद मैं रूम से बाहर नहीं निकला था कि भैया नहीं कुछ तो अलग मैं मतलब मैं, मैं ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग क्या करते हैं गेम से जिस दिन गेम डे उस दिन बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं मत खेलो यार कुछ मत करो खुद को टाइम दो कोहली कोली भी ये कहता है खुद को टाइम दो पेशेंस और खुद को टाइम देना इज वेरी इम्पोर्टेंट अब मेरे को एक बात बताओ गेम पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग मम्मी पापा भी बोलते थे साल भर नहीं पढ़ के एक दिन में पढ़ के क्या उखाड़ लेगा साल भर तुमने कितना भी ट्रेनिंग किया वो एक दिन तुम एक्स्ट्रा छह घंटा ट्रेनिंग करने से क्या फायदा है क्या तुम एक्स्ट्रा खेल लोगे अच्छा नहीं खेल पाओगे यार जो तुम खेलो वैसे खेलोगे शांति रहने से क्या फायदा होगा फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी कि आपको क्या करना है आगे जाके आई थिंक ये हर स्पोर्ट में लोग करते हैं कि जो ट्रेनिंग सेशन जो भी होता है मैच से एक दिन पहले ऑफ डे होता है कुछ नहीं करते रेस्ट लो गिव गिवे बॉडी कंप्लीट रेस्ट बोलते हैं ना मैच से पहले अच्छे से नींद पूरी करके आओ आठ घंटे की नींद पूरी करो अच्छा खाना खाओ गंदा कुछ मत ओवरिटिंग मत करो कि मैच में इफेक्ट करे स्पोर्ट्स में सेम चीज इसमें भी है मैच से पहले भाई एक्स्ट्रा कुछ मत करो डे टू डे लाइफ करो मैथ से एक दिन पहले शांत सब छोड़ दो अपने तुम्हें जो सबसे ज्यादा रिलैक्स करता है या तो वो कोई दूसरा गेम खेलना उस गेम के अलावा कुछ भी और करो जो तुम्हें रिलैक्स करता है कुछ भी और चलो जाओ तो बाहर वॉक पे बंदी से बात कर लो अगर तुम्हें वो शांति दे आता है पेरेंट्स से बात कर लो वो शांति करता है मेडिटेशन कर लो गाना गा लो जो हजारों चीज़ें यार लोग करते हैं मेडिटेशन गेमिंग में बहुत लोग करते हैं और ना आई फील करना चाहिए

भी जितनी ओवर थिंकिंग करनी है वो मेडिटेशन के दौरान कर लो फिर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे उसके बाद पता है मेडिटेशन में बोलते हैं कि आप आग बंद करके कर बैठो और वो ओम जो बोलते हैं हम उस टाइम पे आदमी का माइंडसेट और दिमाग कितना स्टेबल है आपको समझ आ जाता है जो आदमी जल्दी आग खोल दिया मतलब उसके दिमाग में फालतू चीज़ें दौड़ रही है जो आदमी लंबा खींच पा रहा है ना वो जोड आउट है वही मैंने वो देखा है मैं पहले पता दस सेकेंड में नहीं कर पाता था यार मैं आँख खोल देता है क्या हो रहा है नहीं होगा मेरे से तो दस सेकंड से दो मिनट एक मिनट तीन मिनट पहुंचता है ना तब रियलाइज भाई कुछ तो अलग हो रहा है जो मैं टाइम मेरे को थॉट्स अभी भी आएंगे मेरे को फालतू थॉट आते हैं थोड़े ड्यूरेशन के बाद तो लोग जो दस दस मिनट करते हैं ना उन लोग मैं सोचता लोग क्या स्टेबल होंगे mm. कि उनके दिमाग में फालतू चीज आ ही नहीं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में मतलब थॉट्स आने नहीं दे रहे मेडिटेशन वो कंट्रोल लाता है ना दिमाग पे तो वो चीज सीखना बहुत हार्ड है जितना एटलीस्ट अब तक मैंने जाना स्पोर्ट्स e के बारे में आई फील कि बहुत ज्यादा मेंटल गेम है बहुत ज्यादा मतलब even जो skill sets आप कह रहे हो अगर हम उनमें भी अगर हम घुस रहे हैं, तो वहां भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। है? क्या uh, को मैं एक मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझाता हूँ जो मैंने शो से ही सीखा हुँ. मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर है तो मैंने उनसे पूछा कि एक ह्यूमन लाइफ में एक्चुअली एक आम इंसान की लाइफ में मेडिटेशन से क्या हो सकता है तो उन्होंने मुझे ये सेंटेंस बोली और मैं समझा नहीं ठीक है आप बताओ अगर आप समझे इट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन थॉट्स एंड परसेप्शन ठीक है तो उनका लॉजिक ये था कि आपके दिमाग के अंदर हर किसी को लगता है कि एक ही दिमाग होता है पर एक्चुअली दो दिमाग होते हैं

तब आपको ये लगता है कि आपके थॉट्स और परसेप्शन एक ही है मतलब उन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है और जितना आप मेडिटेट करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी परसेप्शन पीछे हटती जाएगी बेसिकली आप खुद के थॉट्स को स्लो मोशन में देख रहे हो यस हाँ समझा पर एटलीस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्लीज करेक्ट मीफ हम रहा हूँ yeah. आई फील कि आप भी दुनिया को स्लो मोशन में थोड़ा सा देख या yeah, मतलब हम जितने भी प्रोफेशनल्स रहते हैं आई थिंक हर फील्ड में उन लोग चीज़ों को स्लो देख पाते हैं इसलिए उन लोग अच्छे डिसाइड कर पाते हैं एथलीट ज्यादा एथलीट ज़्यादा क्योंकि हर स्पोर्ट ले लो नॉट जस्ट ई स्पोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल एफ वन मोटो जीपी हर जगह पे लोग वो चीज़ को नॉर्मल लोगों से बहुत स्लो मोशन में देख पाते हैं इसलिए उनका वो एक सेकेंड में इतने ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं चीज़ें करने की नहीं तो अगर आप टेक्निकल वे में सोचो कि आप वो एक सेकेंड में दस चीज़ें कर रहे हो इतना फास्ट कैसे कर सकता है बट उस बंदे के लिए एक सेकेंड बहुत सारे मिली सेकेंड्स यार mm. बहुत चीज़ उसको दिख रही है अरे ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ मैं क्या करूँगा और आई फील जो चीज़ होने वाली होती है ना आदमी पहले से इमेजिन कर लेता है कि ये चीज़ हो सकती है मैं पर्सनली मैं, मैं करता हूँ कि जब मैं गेम खेलता हूँ ना मैं अपने आगे के दस मूव सोच लेता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से कोई एक तो होना है तो मैं वो सोच के चलता हूँ कुछ अगर आउट ऑफ द बॉक्स हो गया मतलब मेरे में भी कमी है मतलब मेरे को और चीज़ सीखना पड़ेगा ऐसा

चार गली है चार में से किसी एक गली में जाना है ना यार अगर पांचवी गली है मतलब मेरे मेरे मेरी प्रोडिक्शन खराब है मेरे को चीज दिखी नहीं कि वो हो सकती है ओके okay. और तन्मय गेमिंग में मतलब जो भी आप हो माइनस गेमिंग माइनस स्पोर्ट्स वही डिसीजन मेकिंग काम आती है मतलब लाइफ में यस yes, इट डू क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो किसको क्या बोलना है ये चीज़ मैंने एक्चुअल में मेरे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था पहले मेरे मेरा एंगर मेरे, मेरे कंट्रोल में नहीं था कभी पहले अब जाके हो गया विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ टाइम विथ माई पीपल अराउंड मी तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है किससे आप बात कर रहे हो ना किसको क्या रिप्लाई करना है वो भी तो एक टाइप से डिसीजन मेकिंग आप क्या अगर आप एकदम गुस्से में हो गुस्से में आप चीज़ों को कंट्रोल में ले सकते हो अब सही चीज़ अगर रिप्लाई करोगे तो वो आपके लाइफ में इफेक्ट करता है तो ये चीज डिसीजन मेकिंग यहाँ भी आ रही है क्योंकि मैं पहले गुस्से में कुछ भी बोल देता था पहले थोड़ा आधे बोल दिया अब वो चीज़ मेरे को तब पता नहीं चल रहा है मैंने गुस्से में बोल तो दिया दो दिन बाद रियलाइज हो रहा है अरे भाई मैंने क्या बोल दिया वो चीज़ अब मैं मेरे को कितना भी गुस्सा आ जाए अभी भी मेरे को गुस्सा आता है बट मुझे पता है किधर कब क्या बोलना है फिर से तय माइनस ई स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स को आप अलग रख दो अभी जो आपने कहा ब्रांड्स के बारे में बिजनेस के बारे में वहां भी डिसीजन मेकिंग और पीपल मैनेजमेंट है ये दोनों स्किल्स क्योंकि आपकी ई e स्पोर्ट्स के स्किल सेट्स बेहतर हो रहे हैं, उसी वजह से बिजनेस में भी आप बेहतर हो रहे हो उसी वजह आई थिंक मुझे पता चल रहा है कि वट आई एम वर्थ ऑफ एंड वाट्स गोइंग अराउंड मी पहले मुझे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता था लोगों पे कि चलो ये जो कर रहा है सही है बट मैंने ये चीज़ सीखा विथ लाइफ कि हर बंदा जो आपका दोस्त है आपका अच्छा नहीं चाहता है हर बंदा जो आपका दोस्त नहीं है और आपसे आप उसके उससे बात भी नहीं करते हो वो तुम्हारा बुरा भी नहीं चाहता mm. ये लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैंने समझा क्योंकि दोस्त आप अच्छा कर रहे हो आपके लाखों दोस्त रहेंगे हर बंदा आपका दोस्त रहेगा आप खराब कर रहे हो बहुत कम आपके दोस्त रहेंगे और ऐसा भी नहीं कि आपके खराब टाइम में आपको जो मदद करो आपका अच्छा जाता है यार वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी यार कोई खराब कर रहा है आप उसको हेल्प करोगे यू टू फाइंड फिगर आउट कि जेन्युनली आपके लिए अच्छा कौन चाहता है ओके okay, इसके बारे में भी बात करना है पर इस राउंड के बाद तीसरा सवाल सक्सेस पैसे और फैंस मिलने के बाद सबसे बड़ा डर क्या रहता है सबसे बड़ा डर मैं मतलब बहुत कॉमन आंसर बताऊंगा सब लोग जो सोचेंगे कि ये सब चला गया तो क्या होगा यह सब तो कभी ना कभी जाना ही है मैं ये मानता हूं ये कभी ना कभी तो जाना ही है बट अगर मैं उस चीज का मैं सोचूंगा तो मैं बस जो प्रेजेंट में है मैं उसको कभी जी नहीं पाऊंगा मैं ये सोचता हूँ कभी ना कभी जाना जब जाएगा तब जाएगा ब्रो बट यहां तक पहुंचने की जो मेहनत करी है उसका जो प्रेजेंट लाइफ मेरा इफेक्ट कर रहा है उसको तो जीऊ पहले जब मेरे दिमाग में ये सवाल आता था पहले एटलीस्ट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट तब मेरे दिल में ये डर होता था कि आ, मेरे कैपेबिलिटीज़ दुनिया के साथ कीपअप नहीं कर पाएंगे मतलब जैसे एक फुटबॉलर की लाइफ में होता है hmm. कि एज बढ़ गई मतलब स्टैमिना घटा एटसेट्रा फिर मैंने जाना कि लाइफ फुटबॉल नहीं है एक्चुअली hmm. <laughs> अगर आप दिमाग एक्टिव रखोगे तो यू विल बी फाइन अब शायद डर ये फील होता है कि आई शुड मिस आउट ऑन लाइफ आई डोंट नो ये मैं आपके दिल में डर डालने की कोशिश नहीं, कोई नहीं, नहीं कर रहा मैं मे, मेरे को कभी मतलब मैं बोलता मैं कभी कुछ मे, मेरे अंदर डर है ही नहीं कुछ चीज़ का इमोशंस को या फिर कोई भी लाइफ रिलेटेड लेके क्योंकि मैं मैं मानता हूँ कि यार लाइफ बहुत छोटी है क्योंकि आप जब कंपैरिजन करते हो ना कि आप क्या कर रहे हो और दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं मैं हर टाइम कंपेयर करता हूँ जो बड़े लेवल पर हमसे बहुत गुना बड़े हैं मेरे उम्र के बहुत सारे लोग जो एथलीट होंगे या आप बिजनेस कर रहे हो मेरे से लाख गुना बड़ी लाइफ जी रहे यार मैं तो उनका एक परसेंट भी नहीं जी रहा हूँ वाई टू फियर समथिंग जो अभी तक आपके पास आई नहीं है mm. कि ये लोग यार अगर मेरे मेरे जो फैंस चले गए तो अगर मेरे पास जो पैसा है वो चला गया तो फिर क्या करूं भाई अगर ये सोचोगे जो अभी आपके पास करंट है उसको कौन जिएगा तो आप वेस्ट कर रहे हो mm. आप उम्र में बड़े हो गए आपकी जो पर्सनलिटी है वो काम डाउन हो जाएगी आपके स्किल से फेड आउट होंगे आप उतने एनर्जेटिक नहीं रहोगे इनफैक्ट लाइफ का रूल है आप बच्चे रहे तो काम रहे तो एनर्जी फुल रहता है धीरे धीरे होते होते तो तो होते होते फिर वापस वही कामनेस में आता हो एक लो एनर्जी से फुल एनर्जी फिर वापस लो एनर्जी तब जब तो फुल एनर्जी में हो भाई उस उसको तो जियो लो लोग लाइफ नहीं जीते आजकल लोग एक पता एक्चुअल में पीस क्या होता है वो होता है कि आपके पास जो है आप उसको फुल यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं अगर आप अपने दोस्त के साथ एक बंद कमरे में मजे कर सकते हो ना हंसी मजाक कर सकते हो बस वो है वो लाइफ का पार्ट है अभी बहुत लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं बट वो आपको सेम हंस नहीं पा रहे लोग बैठ के तो आपके हैप्पीनेस ढूंढना अब आप बोलोगे हैप्पीनेस क्या है हैप्पीनेस कहीं भी आप ढूंढ सकते हो यार मतलब हैप्पीनेस इज अ चॉइस एग्जैक्टली आप किस में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो अगर आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो इस मोमेंट में क्या हो रहा है तो आप खुश हो सौ करोड़ कमा के भी आप हैप्पीनेस नहीं ढूंढ सकते मैंने देखी हाँ ऐसे लोग होते हैं मैंने देखा लोग लाखों मतलब मैं बता हूं मेरे मैं एक फेज में था जब मैं खुश नहीं था पैसा कमा रहा तो भी खुश नहीं था बट मैं अब सेम ही है सेम ही चीज कर रहा हूं ग्रो कर रहा हूं हर चीज मैं खुश हूं मैं पहले तो कुछ नहीं था तब भी खुश था पर वो फेज में क्यों खुश नहीं था वो मैंने जब सोचा ना मैं सोचा कि यार उस टाइम पे तो मेरे पास हर चीज था उस टाइम पे मेरे पास अलग स्टारडम था इन टू टेन टाइम्स ज़्यादा व्यूअरशिप थी पर वो उस टाइम खुश क्यों नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम को जी नहीं रहा था मैं डर रहा था कि क्या पता ये घट जाएगा तो अब मुझे डर ही नहीं उस चीज़ का अब मुझे क्या जो मेरे पास है अभी लाइफ में उसको एन्जॉय करो यार कोई हर चीज़ का एक्सपायरी डेट है ये मानो या ना मानो कोई भी चीज़ लंबी नहीं चल सकती कहीं चालू हुई है कहीं ख़त्म होगी पर अगर अभी से आप सोचोगे कि यार अब खत्म 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 होने 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 वाला 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 है वाला है ऐसा आप दो तीन साल निकाल दोगे वो खत्म होने का डेट आ जाएगा फिर आप भाई यार चार साल थे लाइफ जीनी चाहिए थी हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा होता है मतलब लोगों के हाईज एंड लोज बहुत एक्सट्रीम होते हैं और लोग शायद हाइज एंड लोज को एक्सट्रीम तरीके से भी प्रोसेस करते हैं लोग रिएक्ट करते हैं

बहुत एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स तो बहुत है तो मैं भी कि यार लोगों के लिए पास एक छोटा सा सजेशन है मैं तो हूँ नहीं कोई ऐसा बड़ा पर्सनलिटी बताऊ बट आई पर्सनली फील की छोटी छोटी चीजों में ना अपनी खुशियाँ ढूंढो एक यूट्यूब ओरिएंटेड सवाल है ये शायद मैं आपको तब भी पूछता अगर हम पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते ये मैं बिल्कुल एक कॉन्ट्रोवर्शल पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ जो नॉन गेमिंग कम्युनिटी है यूट्यूब को लेकर क्यूरियस है गेमिंग कम्युनिटी को लेकर ठीक है कि क्या हो रहा है वहां और बहुत सारे लोग समझते नहीं पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं मान लो गेमिंग कम्युनिटी से कोई मिला आ, या उसके एसोसिएटेड कोई मिला तो हमेशा एक ही एंगल रहता है कि यार गेमर्स के बीच ना बहुत कॉम्पिटिशन होता है बिकॉज आपका नेचर ही कंपेटिटिव है एज गेमर्स स्पेशली अगर स्पोर्ट्स e एथलीट बनना है तो आप कम्पेटर होना ही पड़ेगा हाँ पर कभी कभी वो कॉम्पिटिशन थोड़ी सी जेलेसी में बदल जाती है या एक नेगेटिव वाइब में बदल जाती है मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये जेलेसी क्यों है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सच है कि नहीं देखो आई फील जेलेसी इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में है नहीं या फिर आप किसी का जेलिस कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो उसके मेंटल स्टेट में क्योंकि मैं हर टाइम ये मानता हूं कि मेरे थाली की रोटी कोई अगर नहीं छीन रहा है तो मुझे जेलेस होने की मतलब नहीं है मेरे थाली में तीन रोटी है आपके थाली में छे रोटी है तो मुझे यह सोचना है कि मैं और तीन रोटी कैसे कमाऊं जो आप कमा रहे हो मुझे यह नहीं सोचना कि भाई तेरे पे छह क्यों मेरे पे चार क्यों है मैं तेरी दो रोटी ले लेता हूं यह होती जेलेसी। होता है यह हर फील्ड में आई गेस हर फील्ड में कोई दिखाता कोई नहीं दिखाता हर फील्ड में जलेसी ऐसा है ना कि एग्जिस्ट करेगी ही करेगी आप उसको बंद नहीं कर सकते ह्यूमन टेंडेंसी ह्यूमन टेंडेंसी है जैसे आदमी गुस्सा होता है

जेलिस है उसमें भी कोई दिखाता नहीं कोई बोलता नहीं बट आपको इन जनरल पता है, है। तो आई फिल जेले आता है जहां पे क्वांटिटी ज्यादा है कम लोग में जेलेस क्यों ही होना है ऐसा नहीं है कि, कि किसी एक इंडस्ट्री में ज्यादा है या... नहीं okay. जहां पे I, I जहां पे पे आई आई क्वांटिटी है okay. कभी मुंह किसी ने कहा है कुछ आपको यार ऐसे एस, तो बुरी नजर दिया वोकली बुरी नजर दिया यार ऐसे ऐसे कोई किसको मीन नहीं करता पता गुस्से में पता मैं बोलता हूँ मेरे को कोई गाली है ना गुस्से में मैं उसको कभी दिल पर नहीं लेता पता है गुस्सा कल उट, कल का उठ के साथ में चाय पीना है कल को के उठ साथ में टूर्नामेंट बैठ के बातचीत करनी है मेरी हुई है बहुत बार हुई बसड़ बट वही चीज दो महीने बाद साथ में बैठ के घूम रहे होते हैं पहले का जो स्काउट था पहले का जो तन्मय सिंह था वो दिल पर ले लेता होगा पर तीये तीन चार साल में नहीं चीज़ सीख लिया भाई ये चीज आदमी गुस्से में बोल रहा है क्योंकि मीन नहीं कर रहा है मीन जब करता है ना आदमी आदमी गुस्से में नहीं बोलता है और सीधा कामली बोलता है तब तो आदमी को समझ समझा गया भाई वो सही में उसको बुरा लग गया आपके हेटर्स यू विल नेवर फाइंड अटर बेटर देन यू इन लाइफ आपको कभी क्रिटिसाइज कर रहा होगा ना कभी आपसे ऊपर नहीं होगा ये फैक्ट है और जो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा ना कभी क्रिटिसाइज आपको सजेशन देगा कि आप ये बेटर कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो या बेटर कर सकते हो और जो आपको बोला नहीं तू ये गलत कर रहा है तू तू गलत है वो आपसे कभी लाइफ में बेटर नहीं कर रहा है ये ये मेरे लाइफ में तो हुआ है कोई मतलब जो मेरे को सजेशन देता है ना वो टाइम मेरे को गलती बता के रास्ता भी बताता है रास्ता जो नहीं बता रहा ना वो आपसे कभी अच्छा नहीं कर रहा है लाइफ का रूल रास्ता बताने वाले लोग आपसे आप बेटर कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं जो मेरे को बता रहा है ना भाई ये करना चाहिए मतलब वो मेरे से ऊपर है इसलिए इस तो मुझे होता है यार डिसिप्लिन गेमिंग होते हैं नहीं यार मतलब है सब लोग बहुत काम है मैंने मतलब मेरे बगल में वर्ल्ड की चैम बेस्ट टीम बैठी बेट, थी उस टाइम पे कि हम लोग उतरते ही मर गए थे तो सोलह नंबर पे आउट हो गए थे उस मैच में पता है क्या है कि हम लोग फ़ोन रखते हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग होते भाई क्या कर दिया कैसे करेंगे अब प्रेशर आ जाता एक दूसरे को भर रहे होते हैं उन लोग हंस रहे थे मतलब वो चीज़ देख के मेरे को स्ट्राइक किया कि ये क्यों क्यों ऐसा बट एक नॉर्मल बंदा अगर खराब खेलेगा तो गुस्सा आएगा इन लोग वर्ल्ड के सबसे सब बड़े स्टेज पे एक मैच में लास्ट मरे सबसे पहले मर गए मतलब लास्ट पोजीशन आए जीरो पॉइंट आया उन लोग रख के स्माइल कर रहे हंस रहे हैं कैसे मतलब ऐसा कंपोजर ऐसा कामनेस क्यों है तो बाद में जब मैंने ऐसे रियलाइज किया कि इनका जो रूटीन है इन लोग एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं जो इनके लाइफ में वो चीज लेके आता है कि इस टाइम पर उठना है आप नोटिस किए जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स होते हैं उन लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और जो लोग डिसिप्लिन नहीं होता एथलीट उन लोग लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं। वो डिसिप्लिन एक ले आता कंपोजर की ज़्यादा खुश नहीं होना है ज़्यादा दुखी नहीं होना है ये सब चीज़ें सिखाता है तो डिसिप्लिन इंडिया में लैक करता है इंक्लूडिंग में कि अब जैसे अगर आप आपने फिटनेस की लाइफ फॉलो की मैंने भी फिटनेस लाइफ फॉलो किया अभी मैं बहुत अनफिट हूँ मैं भी फ्यूचर लगा बहुत फिट हो जाऊँगा बट फिटनेस हम तब अपने पीक पिक फिज़िक में होता है जो हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जिस दिन मन भी नहीं कर रहा उस दिन भी उठ के वर्कआउट करना है जिस दिन मीठ मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है उस दिन भी हम लोग नहीं यार अपन अपना डाइट जो है वो फॉलो कर रहे वही प्रोटीन खा रहे वही राइस खा रहे वही चीज़ खा रहे प्रॉपर जो हमने रूटीन बनाया है तो आई फील वो चीज़ जब फॉलो करता है ना आदमी तब कम्पोज रहता है आप नोटिस करें जो लोग जितने भी एक्चुअल एथलीट्स होते हैं लोग बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं और कभी आपने कोई फाइटर को किसी बार फाइट से किसी लड़ाई में नहीं दिखा होगा उनकी बात करने का तरीका आप नोटिस करना बहुत सेम के बात करते हैं धीरे बात करते हैं बट उनका स्पोर्ट क्या है ब्लड खून खराबा मार धाड़ सबसे एग्रेश, एग्रेशन वाला स्पोर्ट है वो बट रियलिटी में कैसा था उन लोग एकदम शांत है तो ये चीज़ मैंने देखा ये दो ट्रांजिशन आदमी स्पोर्ट में अपने एकदम गंदे फॉर्म में है कि उसको मार देना किसी को स्पोर्ट से बाहर निकलते सबसे स्वीट सबसे शांत बंदा है ये उन लोग कैसे कर पाते हैं एक फाइटर स्विच ऑन ऑफ क्यों करता है ये चीज सीखना बहुत जरूरी है जो हर स्पोर्ट में काम आता है उनसे बात करी कभी चांस नहीं मिला किसी फाइटर से बात करने की बट चाइनीज e चाइनीज चाइनीज प्लेयर्स यस मैंने बात करी है तो मैंने तब जाके एक्चुअली मैंने मूवी में देखी थी ऐसे ट्रांसलेटर चीज होती है तो उन्होंने पहली बार देखा उन लोग सामान पकड़े मैं कुछ बोल रहा वो ट्रांसलेट कर रहा था उन लोग कुछ बोल रहे हो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा तो मैंने पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी देखी हम तो लोग ऐसी बातचीत करते मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं तो उन लोग ने वही बोला कि आ, उन लोगों को उन लोग कभी खुश नहीं होते हैं इतना या ओवर एक्साइट नहीं होते हैं उन लोग जीतने के बाद ऑब्वियसली खुश होते हैं बट उन लोग कभी खराब होने से दुखी भी नहीं होते हैं कि ठीक है ना खराब दिन गया ना अगले दिन करेंगे अच्छा वो इमोशन पे जो कंट्रोल है ना मेरे पे भी नहीं यार टू तो बी ऑनेस्ट मैं अगर टूर्नामेंट आज हारूंगा तो मेरे को अंदर वो खाएगा यार क्यों खराब क्यों उन लोग को नहीं करता है वो बट एज के साथ वो फीलिंग कम हो रही है कम हो रही है बट उस लेवल का कंट्रोल नहीं इमोशंस में आई स्टिल फील कि मेरे को गुस्सा देखो अगर मेरे को गुस्सा अभी भी जल्दी आ रहा है मतलब इमोशन से कंट्रोल नहीं है अगर मैं मेडिटेशन आज भी दस मिनट नहीं कर पा रहा हूँ मतलब दिमाग में कंट्रोल है नहीं तो वो चीज़ मैं सोचता कि अब अगर मैं अभी जो हफ्ते में एक दो बार कर देता हूँ अगर मैं सात के सात दिन मेडिटेशन करूँ तो मे भी मेरे दिमाग पर मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल आए आई थिंक होता है ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ और जनरली दोस्तों के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ वही है क्योंकि डिसिप्लिन एक चीज़ है ना बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में बहुत ज़्यादा हर फील्ड में डिसिप्लिन मैटर करता है एंड मेरे अंदर अभी तक उस लेवल के डिसिप्लिन है नहीं क्योंकि अगर वो लेवल के डिसिप्लिन होते मैं रोज़ सोचता हूँ कि अब मैं फिट हो जाऊँगा तो फिट हो गया होता बाकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है क्या ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी है बट अपनी गवर्नमेंट अभी बहुत सपोर्ट कर रही है बट वही है कि उन ऑब्वियसली उधर गेम जल्दी आया था तो गवर्नमेंट ने जल्दी सपोर्ट किया हमारे इधर गेम लेट आया था गवर्नमेंट ने लेट सपोर्ट किया hmm. हमारी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है अभी तो मतलब पहले स्पोर्ट्स को ऐसे स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं मानते थे पहले गेमर मान गेम टाइम पास कर रहा है मतलब पहले हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे तो मैं एयरपोर्ट जब आता था तो उन लोग पूछते थे ना कि क्यों जा रहे हो भाई मैं मैं बोलता पबजी मोबाइल टूर्नामेंट है वो पबजी वाला है गेम खेलने जा रहे हैं ऐसा एक लुकडाउन करते थे कि भाई गेम खेल रहा है अब वो नहीं है ओह या आर गेमर ऐसा सीधा गेमर टर्म मिलता अब तो अब अच्छा था कि हाँ चलो हमें कंसिडर किया जा रहा कहीं ना कहीं um, okay. राजीव चंद्रशेखर नाम के एक मिनिस्टर आए थे शो पर वो, वो बहुत ज्यादा जानते थे गेमिंग के बारे में और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे गेमिंग को uh, उनके लिए कुछ मैसेज है आप क्या चाहते हो एज अ गेमर क्योंकि उनके साथ डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट होगा और फिर मैं कहूँगा उनको अगर सर आप देख रहे हो तो आई जेनवनली वॉन्ट की गेमिंग जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसे एक स्पोर्ट्स करके चीज़ एजुकेट किया जाए स्टूडेंट्स को एक सर्टन एज के बाद कि स्पोर्ट्स e भी एक फील्ड है जहाँ लोग अपना गेम गेमिंग का एज ए करियर ले सकते हैं और स्पोर्ट्स e एक मेंटल गेम है जैसे स्पोर्ट्स को फिजिकल गेम बोलते हैं चेस को मेंटल गेम बोलते हैं फिर ई e स्पोर्ट्स को भी एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया है भले ही बड़े स्केल पर नहीं बटली एक छोटे स्केल पर एक छोटा सा कहीं पर एक पार्ट डालो एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जहाँ पर लोगों को समझे जहाँ पेरेंट्स को समझ आए कि ई स्पोर्ट्स e भी एक दुनिया है जहाँ पर लोग एक करियर ले सकते हैं जहाँ लोग कम्पीट कर सकते हैं और गेमिंग अलग है स्पोर्ट्स अलग है इस चीज़ को प्लीज़ कोई ऐसा एलबोट करके लोगों को समझा कि गेमिंग कैजुअल गेमर्स होते हैं जो टाइम पास करते हैं चिल करते हैं मजे के लिए खेलते हैं एक स्पोर्ट्स e होता है जहाँ पे इसी गेम को अच्छे से खेलते हैं कंपीट करते हैं मेंटल स्ट्रेस डालते हो उधर एफर्ट डालते हैं स्किल्स डेवलप करते हैं और एक गेमर बनते हैं ई एथलीट बोलते हैं उनको तो मैं चाहता हूँ कोई तो आगे जाके एक एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को छोटा से कहीं साइड से कोने से डाल दो स्लाइड इन कर दो हाँ हा। कि सब पेरेंट्स को समझ आए एक और कठोर सच मैंने जाना है पॉडकास्ट के थ्रू और वो ये है कि आजकल

अगर आपने बचपन से गेम्स खेले हुए हैं आपकी जीके थोड़ी सी हाई तो होती है आग, भाई मैं लिख के देता हूँ पीछे हो जाऊँ बट आप मेरे को से बिठा दो ना किसी साथ और और टेस्ट करवा दो मैं बंदे को बीट कर आई आई विद दिस ये ना अगर आपने गेम्स नहीं खेली अपनी लाइफ में बचपन से आप समझ नहीं पाओगे आपको लगेगा कि क्या बोल रहे है लोग पर आई फील कि इवन पॉडकास्टिंग में मेरी हेल्प हुई है बचपन की गेमिंग की वजह से मेरे को अपने लाइफ में हर जगह हेल्प करता है मेरा काउंटर स्ट्राइक जो मैंने बचपन में खेला था क्यों क्यों यार काउंटर स्ट्राइक गेम है वर्सेस है और वहां पे चीजें क्विक हो रही होती है तो आपको स्प्लिट सेकंड में डिसाइड डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है और वो वहां पर जो मैंने सीखा मैं हर गेम में इंप्लीमेंट कर देता हूँ लिटरली हर गेम में इंप्लीमेंट करता हूं जो आपको मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट में बोलता मारूंगा तो इसको मार पाऊंगा मैं गेम के अंदर तो ये चीज मैंने काउंटर स्ट्राइक में दस साल पहले सीखी थी वही चीज आज इस गेम में चल रही है सौ अलग गेम खेल तो सब में चलती है 2019 में YouTube कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को कोरिया लेके गया था नहीं सॉरी जापान लेके गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक है और वहाँ कोरियन कंटेंट क्रिएटर्स भी आए थे और कोरिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने खुद के बिजनेसेस बनाए हैं तो मैं एक पैनल के लिए मैं बैठा था मतलब मैं सुन रहा था कि पैनल में क्या बात हो रही है अ तो मैंने सवाल पूछा कि इफ़ यू गो बैक द स्टार्ट ऑफ योर करियर क्योंकि उनके करियर टू यू नाइन टू फास्ट में शुरू hmm. hmm. मतलब रहती तो आप क्या करते तो उस बंदे ने सोचा और फिर बोला इट प्रोबेबली ओनली बॉय डाउन टू एग्जीक्यूशन अगर झट से एग्जीक्यूशन की होती तो चीजें और भी फास्ट होती uh, तो बेसिकली यही आप, आप, आप ये कह रहे हो हाँ huh. कि झट से डिसीजन मेकिंग कर लो और फिर एग्जीक्यूट कर लो एक्ट कर लो यस क्योंकि तो आप आपके पास क्या लूज करने के लिए कि गलत हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा आपके सिर के पे बंदूक थोड़ी है यार गलत हो जाएगा मैक्सिमम गलती हो जाएगी गलती से सीख लेंगे और उस गलती से आपकी डिसीजन मेकिंग और भी ज्यादा बेहतर होगी यस और पता है मैं क्या सोचता हूँ हर फेलियर से तीन चीज आदमी सीखता है वो फेल क्यों हुआ है वहाँ गलती क्या हुई है और वहाँ बेस्ट उसका सक्सेस रेट में क्या क्या करते था सक्सेस होता तो तीन नई चीजें सीख जाता आदमी तो मतलब नेक्स्ट टाइम जो आदमी करता है वो गलती नहीं करने वाला है सामने वाले ने क्या ऐसा मूव किया जिससे वो गलती हुई और उसने वो सक्सेस हुआ वो आप सीख जाओगे और खुद की क्रिएटिविटी से क्या आप बेटर कर सकते हो सीख जाओगे तो अब दो नए रास्ते सीख लिए और एक जो चीज नहीं करना वो सीख लिए हर फेलियर में आप तीन चीज सीखते हो ये मानता हूँ hmm. okay. भाई ये पॉडकास्ट का एंड नहीं है एक नई सेगमेंट है हमने इंट्रोड्यूस करी है जहाँ हम स्क्रीन को देखेंगे और बस जनरली डिस्कस करेंगे चीजें ओके स्काउट भाई पहले कल्चरली आइकॉनिक का ट्रेलर देखेंगे पॉज करो जहां आपको लगे क्या फील होता है भाई ये पता है मतलब मैं नेक्स्ट लेवल चीज यार ये मतलब मेरे को जितना मेरे को लीक्स के थ्रू पता है कि दिस इज गोना बी द बिगेस्ट मैप एवर जी टी एस मेड एंड इसमें लोग वाईसीटी डाल रहे हैं ब्रो वाईसीटी जिंदगी निकाली है वाईसीटी मतलब मलेबो क्लब से लेके हर जगह गाड़ी हुआ है और वो हम वापस खेलने वाले हैं विद द बेस्ट ग्राफिक्स एवर हम्म और मैप डबल मतलब अभी तक आई थिंक सबसे बड़ा मैप GTA 5 और सैन एंड्रियास था हम्म mm. बोल रहे हैं ये दोनों से बड़ा मैप है ये तो मतलब क्या वर्ल्ड रहेगा यार mm. और मुझे याद है जब GTA 5 निकली थी बहुत बड़ा जम्प अप था मतलब obviously. ग्राफिकली फंक्शनली वो कब निकली दस साल पहले निकली थी अब दस साल बाद आ रहा है शिट हो रहा है मतलब ये मैं को अभी भी देखता हूँ कि ट्रेलर ही इतना कुछ दिखा रहा है तो जब खेलोगे तो क्या कुछ नहीं रहने वाला उसके अंदर मतलब क्या सोचा होगा रॉक ने जी टी के बाद क्या मतलब इतना टाइम ले रहे हैं उन लोग तो दे नीड टू

हम्म प्ले पॉज करना जहां आपको लगे हाँ एनिमल्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये मैंने सुना है ये सब जो दिखा रहा है ना पॉज जो स्ट्रीट ये जो स्ट्रीट वाला वाइब है ये प्रॉपर सैनड्रेस के टाइम का है जीटीए hmm. सैनड्रेस अब निकली थी hmm. तो उन लोग ने आप समझ रहे हो इन्होंने हर जगह के एलिमेंट्स को डाल के एक बड़ा जीटे बनाया एक साथ तो कि, किस लेवल का गेम रहेगा वाई सी टी हाँ, हाँ. और ये जो इंसिडेंट दिख रहा है ये एक्चुअल हुआ है फ्लोरिडा में वो जो सारी चीजें ये, ये क्रोकोडाइल से लेके हर एक चीज ये रियल इंसिडेंट है ये कहीं ना कहीं फ्लोरिडा में हुआ है ये सब चीजें कभी ना कभी मेरे बस एक क्लिप इंस्टा मैंने कोई रील देखी थी सेम जैसे क्लिप्स हो रही है और रियलिटी में तो न्यूज में आया है जब भी मैं ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलता था ना बचपन में मेरे दिमाग में ये थॉट होती थी कि यार मुंबई पर भी एक ओपन वर्ल्ड गेम बननी चाहिए क्या बन रही है और अभी बन रही है और और हर GTA GTA गेम एक सिटी सिटी पर पर बेस्ड होती है है जैसे हाँ, GTA 5 थी इस हाँ, इस बार आई आई थिंक तीन अलग इफ एम नॉट वाई वाई मतलब फ्लोरिड, मायामी। म, मायामी, फ्लोरिड है, और, मतलब फ्लोरिडा पूरा इसका मैंने मैप जितना देखा था ये साइड में कुछ इतना बड़ा सा इधर भी कुछ इतना बड़ा सा है। तीन अलग, बड़ा बड़ा

गेम्स को लेकर ना मुझे यही सही लगता है जब रियल लाइफ पे बेस्ड होती है होते exactly, मतलब आप सोचो ना ये सब जो ट्रेलर में आप देख रहे हो आर रियल कभी कभी ना एग्जिस्ट करी है जिन लोगों ने लाइफ में कभी जीटीए नहीं खेला है उनको आप एक मिनट के अंदर समझा दीजिए कि जी में होता क्या है आप जो इमेजिन कर रहे हो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आप वो उस गेम में कर सकते हो एक आप एक नई जिंदगी जी रहे हो जी में आप अपना इविल फॉर्म सारी बड़ास, सारी निकाल गाड़ी खुदानी है पैराशूट लेकर कूद जाना अंडर अंडरवर्ड डाइव करनी है शार्क देखने आप उस गेम में हर चीज कर सकते हो एरोप्लेन को स्ट्रीट में घुसाना हाँ, है आपके सपने होंगे ना बचपन में भाई यार कहा एरोप्लेन को हाईवे में लैंड करा दूंगा वो भी कर सकते हो हर चीज है बचपन में मेरी मामी मेरी मम्मी बहुत रूट जाते थे जब मैं वाइस सिटी खेलता था कि ये क्या ये, खेल रहे हो ये कॉमन चीज है लिटरली ऐसा लगता था मैंने कुछ क्राइम कर दिया है मैंने उस गेम में अगर किसी गाड़ी चोरी कर ली मेरे घर वाले गुस्सा क्या कर रहे हैं इसे कैसे गेम खेल रहे मम्मी गेम है वो जो मैं अब आप लोग मूवी में देखते हो हम यहाँ करने कर पा रहे होते हैं बस मज़ा इसमें आता है बचपन में जब हम कोई भी फर्स्ट पर्सन शूटर खेलते थे या जीटीए खेलते थे तो हमें कहा जाता है कि आप वायलेंट बन रहे हो बना ये बहुत कॉमन चीज है जीटीए में बोलते थे वहाँ पर दिखता है ना कि ह्यूमन है दूसरे गेम्स में एलियन कार्टून तो लोग कुछ बोलते हैं अरे ये तो ठीक है इससे मैं दिखता है कि क्या क्या कर सकते हो और आई थिंक ये बहुत ही यूनिक रहने वाला है क्योंकि जिस लीग के साथ मुझे पता है इसमें हर एक पेडेस्ट्रियन जो है इस गेम में एग्जिस्ट करेगा दे विल रिएक्ट

अभी से हाइप स्टार्ट हो लोग इस ट्रेलर के लिए दस साल वेट किए हैं <laughs> भाई मैं खुशी खुशी दिन उस दिन का वेट कर सकता हूँ जब ये गेम आएगा सबसे इम्पैक्टफुल गेम कौन सी रही आपके लिए आपके बचपन में काउंटर स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक यस हंड्रेड परसेंट एक्चुअली फीफा देखे थोड़ा सा हंड्रेड परसेंट यार कैसे दिखाए लोगों को आई थिंक गेमिंग के हिसाब से आप दिखा सकते हो कि गेमिंग बाहर कितना बड़ा है हम्म hmm. आपको एक है एल ओ एल मतलब एक ओपनिंग सेरेमनी है लीग ऑफ रेजिंग का गेम है आप वो दिखा सकते हो कि बाहर गेमिंग इतना बड़ा इंडिया में ये वहाँ तक पहुँच सकते दिखाओ लिखो एल ओ एल ओपनिंग सेरेमनी आगे पहले आ गया फर्स्ट वाले खोलो सेकंड वाला कहाँ है ये कोई तो कंट्री में जस्ट सीधे ओपनिंग सेरेमनी ओ वाह ओपनिंग सेरेमनीय फील्ड बाहर इस लेवल पे आप सोचिए इंडिया में कोई गेम का फिनाले वायन है एक स्टेडियम ऐसे भरा हुआ है ये इंडिया में हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी फाइवेंड ट्वेंटी उतने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं होंगे जिसकी अब हम जी देख रहे थे ठीक है आप 25 साल के हो मैं 30 साल का हूं अभी भी हम एक्साइटेड है सोच yes, exactly, <laughs> सोच के सोच के आप सोच रहे हैं किस लेवल का एक मतलब जो लोग गेम को स्पोर्ट से रिलेट स्पोर्ट से कंपेयर नहीं करते आप ये लेवल देखो और ये अभी का नहीं दो हजार सात छह या अठारह ऐसा कुछ कुछ बहुत पुराना है दस साल पहले का शायद है किस पर ये देखो ना किस लेवल पे ये हो रहा है मैं एज नोटिस कर रहा हूं कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए मतलब प्रॉफिट्स क्या कोई भी गूगल में डाल दो कि अगर एल ओ एल प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मिल जाएगा आपको डोटा ट्वेंटी 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 थ्री गूगल गूगल एक काम करते देखते हैं लेट्स सी अ प्राइस फुल फॉर चलो बी जी माई क्या देखते पबजी मोबाइल क्या देखते हैं कि लिखो पबजी मोबाइल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर प्राइस फुल नहीं नहीं वो नहीं है और और कुछ है जिस तो एक काम करते हैं रुको किस किसका देखें हम लोग इन जनरल तो कुछ बड़ा अमाउंट देखना है ना तो आप लिख दो ना ऐसा एल ओ एल लिखो डोटा देख ले डोटा डोटा टू डोटा टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

रहेंगे कुछ कितने पांच प्लेयर्स रहते हैं और एक दो कोच वो सब मिला के होगा ये सब प्लेयर दो करोड़ मिल रहे। कुछ तो मिल रहा है साथ और, और किसका एट्टी ट्वेंटी होगा किसका सेवेंटी थर्टी होगा किसका सिक्सटी फोर्टी होगा वो डिपेंड करता है उनके सैलरीज पेगा जो मेरे को फील होता है प्लेयर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है तो और

और मैंने ये सुना है कि प्रेप करने के लिए एक डेली yes. मतलब के सात दिन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है करनी चाहिए चाहिए और आदमी करता ही है क्योंकि उनको दिखता है ना कि बंदा अच्छा खेल रहा है तो क्यों नहीं करेगा आ, पर कितनी ट्रेनिंग होती है मतलब एक मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन बता दीजिए तो नॉर्मली सारे गेमर्स सोते लेटे तो उठते भी लेटे बारह बजे तक खेलना स्टार्ट करते एक बजे से तो आप समझ ले कि अपने ब्रेकफास्ट लंच एक ही होता है सबके लिए <laughs> किया सीधा बेटा गेम खेलने एक बजे उठेंगे सीधा साढ़े चार पाँच बजे के आसपास उसके बाद स्नैक्स स्वैक्स किया बातचीत कर ली फिर छः साढ़े छः बजे वापस स्टार्ट किया नौ बजे तक चले गए नौ बजे नौ बजे तक नौ दस बजे तक खत्म हो जाता है दस बजे के बाद अगर दिन खराब गया है तो आदमी वापस खेलता है बारह एक बजे तक पर खेल पाते हो उतना मज़ा आता ना वही जी अगर मज़ा नहीं आता तो क्यों खेलते हैं पैशन है इसलिए प्रोफेशन है पैशन नहीं होता तो ये प्रोफेशन नहीं होता मज़ा आता है इसलिए खेल पा रहे हैं लोग बोलते इतने घंटे कैसे खेल पा रहे हैं यार हमें मज़ा आता है यार चीज फिजिकल फिटनेस का कुछ रोल रहता है बहुत रोल रहता है यार अगर आप अनफिट हो पता है लेजीनेस आ जाता है बहुत बहुत लेजीनेस आता है और फिट हो तो एक्टिव होता तो रहता है आदमी थकता नहीं जल्दी ये बहुत ज़्यादा लिंक लिंक है बहुत लिंक है कि जो फिट रहता है ना मतलब ऐसा नहीं बोलो यूनीट टू बी श्रेडेड यूनिट टू लिफ्ट हैवी वेट्स नहीं यूनी टू बी फिजिकली फिट टू एटलीस्ट रन इफ़ यू आर एबल टू प्ले देन यू आर फिट मैं ऐसा मानता हूँ आप डे टू डे काम कर पा रहे हो आप भाग पा रहे हो तो आप फिट हो लोग फिटनेस को ले लेते हैं ये यूनिट भी सुपर स्टेडर्ड ट्वेल्वीन परसेंट बॉडी फैट नहीं यार दैट्स कि आप फिटनेस को फॉलो कर रहे हो फिजिकली फिट मतलब आप अपनी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच कर पा रहे हो आप बाहर भागने निकलो आधा घंटा जॉग कर पा रहे हो यू कैन प्ले अ स्पोर्ट तो आप फिट हो मतलब एनर्जेटिक हाँ, दिमाग चाहिए रहता हाँ, है जिसके लिए एनर्जेटिक बॉडी चाहिए हम्म अब लेजी बॉडी में एनर्जी वाली दिमाग नहीं डाल सकते आपको थकान आएगी नींद आएगी आलस आएगी आलस आएगी तो क्या होगा आप डिस कुछ कर नहीं पाओगे अब ऐसे रह गए यार छोड़ना ऐसे हो जाओगे और गेमिंग कॉन्टेंट में क्या चल रहा है आजकल गेमिंग कॉन्टेंट एक अलग दुनिया है इज अ डिफरेंट वर्ल्ड गेमिंग कॉन्टेंट में दुनिया भर की गेम्स आ जाती है जो सिर्फ पबजी नहीं है क्योंकि हम लोग पबजी के अलावा भी बाकी गेम्स में व्यूअरशिप पुल करते हैं गेम कॉल स्क्रिबल आपने स्क्रिबल खेलिए स्क्रिबल इज बेसिकली दस लोग एक वर्ड आएगा वो उसको ड्रॉ करेगा और बाकी नौ लो लोग वो वर्ड को गेस करेंगे सिंपल एक ड्राइंग की गेम है बट बाकी लोगों को देखने में मजा आता है क्योंकि इमेजिन करो अगर एक, एक आया गेम शो की तरह हाँ वो कुछ बोल नहीं सकता तो अगर आपको मैं वर्ड आया विंडमिल तो आपको वर्ड आया आपके पास पेपर है आप उसमें ड्रा कर रहे हो हम लोग को डैश 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 दिख रहा है बस हमें गेस करना है हमने वर्ड सही गेस किया तो हमें भी पॉइंट मिलेंगे और आपने सही अच्छी ड्रॉइंग बनाई तो आपको भी पॉइंट मिलेंगे जो सबसे लास्ट में गेस किया उसको पॉइंट कम मिलेंगे तो ऐसा कॉम्पिटिशन रहता है तो उस ना सिंपल सा गेम है ड्रॉइंग आया तो उसमें आपकी वोकेबली भी टेस्ट हो जा रही है आपकी ड्रॉइंग स्किल भी टेस्ट हो जा रही है और आदमी की जल्दी गेस कर पाए वो भी टेस्ट हो रहा है तो छोटा सा गेम है ऐसे बहुत सारे ग्रुप गेम्स है जो लोगों को देखने में मजा आता है एक बहुत फेमस गेम था अमंगस्कर की तो वो भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया था देखने में पर लाइव स्ट्रीम ज़्यादा चल रहा बट टू सैटिस्फाईस टू एनगेज यूंग के audience, mm -hmm. आपके पास बीजेमे से लोग आके देख रहे हैं आपको दस से बीस हजार लोग अब उन दस से बीस हजार लोग में से अगर छह से सात हजार या पाँच हजार लोग को रोक पा रहे हो किसी और गेम के लिए देन यू आर डूंगाइट बट यू आर नॉट एबल टू पुल दैट पीपल तो आप कुछ कुछ तो गलत करो जहां पे आप कर, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना लोग गेम के लिए फिर आपके पास आ रहे हैं आपके लिए नहीं आ पा रहे गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स yes. की ही फ्यूचर है पैशन wow. के e लिए करता है बट इवेंचुअली उसको कंटेंट क्रिएटर ही बनना आगे जाके अगर उसको बड़ा होना है तो अगर मैं एक बाईस साल का लड़का हूं या अगर मैं बाईस सोलह साल का लड़का हूं और अगर मुझे आ, एक गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएशन करियर स्टार्ट करना है अब मैं जीरो पे हूं हाँ अगर आप मेरी जगह होता है तो आप क्या करते हैं सबसे पहले मैं देखता कि सबसे ज्यादा गेम कौन सा चल रहा है क्योंकि सबसे बड़ा है अगर आप ढीट बनके ऐसा गेम खेलोगे जो कोई नहीं देखता है ऐसा बोल हैं जैसा देश वैसा भेस जैसा देश जैसा गेम जैसी ऑडियंस आपको भी वही प्रोवाइड करनी है मार्केट जो आपसे मांग रहा है, आपको वो चीज देनी है या फिर आप ऐसा कुछ यूनिक लेके आओ बट उसी फील्ड में जिससे लोग अट्रैक्ट हो जैसे कि कंटेंट क्रिएटर का एग्जांपल देखो आई फील सबसे ज्यादा जो गेम चलती है दैट्स माइनक्राफ्ट जी टी एंड बीजेम दीज थ्री गेम्स आर द पिक गेम्स अब इसमें हार्ड क्यों है ये तीन गेम सबको पता बढ़ी है और लाखों लोग सेम चीज कर रहे हैं अब गेम अब कंटेंट क्या बना लोगे बीजेम आई में क्या, बहुत हाई किल गेम करके फिर बंदे क्या कंपेयर करेंगे यार वहाँ तो इस्पोर्ट्स प्लेयर बैठे हुए हैं जो इस गेम को प्रोफेशनली खेल रहे हैं आपसे बेटर खेलते हैं तो आप वहाँ फेल हो गए तो आदमी क्या करता है चलो मैं इस्पोर्ट्स ज्वाइन करूंगा अब इस्पोर्ट्स ज्वाइन करेगा मतलब इस्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स है जो ऑलरेडी आपसे अच्छा खेल रहे हैं सो पहले तो आपको अपने स्किल सेट को उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी कि आप एक प्रोफेशनल को कंपीट कर पाओ फिर आप टूर्नामेंट खेलोगे टूर्नामेंट में अच्छा खेलोगे लोग नाम सुनेंगे आपको ओ भाई ये कोई नया प्लेयर आया है जो अच्छा खेल रहा है कितना टाइम लगता है ट्रेन करने के लिए यार ये चीज़ पता है टाइम टू टाइम मतलब प्लेयर टू प्लेय वैरी करता है कोई जल्दी ग्रास पड़ता है किसकी लक बहुत अच्छी होती है किसकी लक खराब होगी जो बहुत अच्छा खेल रहा है बट कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया कोई बेचारा बहुत हाई स्किल है उसका डिवाइस ही नहीं है ये हर चीज आ जाता है गेमिंग कंटेंट क्रिएशन जब बोल देते हो ये आ जाता है कि आप यूनिक क्या कर रहे हो गेमिंग कंटेंट क्रिएशन में सो मेनी थिंग्स इमेजिन इफ यू आर प्लेइंग स्पाइडरमैन इफ यू डू अ स्पाइडरमैन कॉस्प्ले एंड डू इट लोग बोले भाई ये तो कुछ यूनिक कर रहा है यार स्पाइडरमैन जैसा पहन के खेम खेल रहा है फिर इसको बोलते हैं एक बोलते हैं कि रीजनल ऑडियंस अगर आप महाराष्ट्र से हो आप मराठी बोलोगे यू विल गेन मराठी पीपल जो मराठी सुन के पता एक बोलते हैं ना जब भी आप किसी सेम लैंग्वेज सुनते हो तो आप अरे भाई ये तो अपने इधर से ये वाइबा आती है उड़ीसा से अगर मैं उड़िया बोलूँगा मैं उड़ीसा से हूँ मैं उड़िया बोलूँगा तो उड़ीसा के लोग जो है ना वो बोलेंगे अब भाई ये तो अपना यहाँ का लोन है पंजाब पंजाबी बोल तो पंजाबी लोग बोलेंगे कि भाई ये अपना लोन है वैसे कि एक होता है रीजनल ऑडियंस को पकड़ के रखना वो है आप रीजनल लैंग्वेज यूज़ करो सो बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स है जो इतने बड़े इन्वायरमेंट में भी स्टैंड आउट किए हैं जैसे कि आप श्रीमान लेजन जो है उन्होंने मराठी को इतना अच्छे से वो बोलते हैं इतना अच्छे उनकी स्ट्रीम मराठी में होती है वो महाराष्ट्र के पूरे लोग उनको इतना अच्छे से फॉलो करते हैं अब साउथ में जैसे कॉल ईगल गेमिंग वो साउथ लैंग्वेज ही बोलता है तमिल कर्नाटका के क्रिएटर्स है उन लोग तो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं तो वहाँ की ऑडियंस आती है पंजाब में जाओगे पंजाब के पंजाबी जो बोल के करते हैं बट अब ये ऑलरेडी हो चुका है अब अब इसमें नया क्या करोगे ये मैंने ये सब चीज़ बताई जो ऑलरेडी हो चुकी है अब ऐसा तो नहीं है कोई आके मराठी बोलेगा तो आप श्रीमान लेजेंड जितना कर लोगे नहीं कर पाओगे ना ऑलरेडी देर ऑलरेडी वन श्रीमान लेजेंड यू यू कैन नॉट बी वन समथिंग यूनिक और ये जो सवाल है कि आप क्या नया करोगे या फिर क्रिएटिविटी हाँ ये आप भी नहीं हेल्प कर सकते मैं नहीं ये ये बस पोटेंशियल कॉन्टेंट क्रिएटर एक्ट क्योंकि मेरे लिए जो वर्क करा शायद वो तो आपके लिए वर्क ना करे कॉन्टेंट क्रिएशन को लेकर एक गोल्डन रूल रहता है कि जिस तरह का कॉन्टेंट आप देखना चाहते हो उसी तरह का कॉन्टेंट बनाओ एंड आई फील अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई कर रही है वो चीज़ जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी पसंद आए ये बहुत लोग बहुत ये चीज़ कन्फ्यूज आते हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है दूसरे को अच्छा लगे नहीं आप पहले वो चीज़ दो जो दूसरों को अच्छा लग रहा हो उसमें अपना खुद का ओरिजिनलिटी डाल दो तो वो यूनिक बन जाता है यूनिक क्या है सेम कॉन्सेप्ट में अपनी थोड़ा सा टेस्ट क्योंकि लोग यार अब ये वही बात होगी ना चीज़ें ही लिमिटेड है तो आपको एक तरीका का करना ही पड़ेगा कोई ना कोई आपने आपसे पहले किया हुआ है बट आप उसमें अपना ओरिजिनल तड़का क्या डाल पा रहे हो यूनिकनेस क्या डाल पा रहे हो और कंटेंट क्रिएट में तो मैं तो वही बोलूँगा कि यार कंटेंट आप नाम से सोचो कंटेंट क्रिएशन कंटेंट बनाना है सिर्फ गेम नहीं खेलना है गेम के साथ आप कॉन्टेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो स्ट्रीम पे यार थोड़ी सी बकचोदी लाओ अपने mm. वाइफ में आप ओरिजिनल मेरे को लोग ने ज़्यादा पसंद इसलिए किया क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा कैमरे पर भी हूँ लोगों को कनेक्ट कर पाता क्या स्काउट कैमरा पे जैसा है वैसा है अब अब एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हो अब नो डाउट आप रियल लाइफ में बहुत काम हो बत, क्या पता आप कैमरा में एकदम ऐसा यूनिक बन के कुछ करो जो लोगों को अच्छा लग जाए कॉमे आप कॉमेडी कंटेंट लाओ गेमिंग के थ्रू जैसे मैंने में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी बैक देन किडनैपिंग सीरीज तो उसमें क्या होता था कि जैसे जब आप नॉर्मल क्लासिक गेम खेलते हो यू जम्प विथ हंड्रेड अदर रैंडम पीपल तो मैं रैंडम लोग के साथ गेम खेलता था एंड आई यूज टू मेक दम सिट इन माई कार और मैं उनको ऐसा किडनेप जोन के बाहर ले जाता था तो मेरे को रिएक्शन मिलते थे ओ भाई गाड़ी रोक ले क्या कर रहा है क्या वक्त ही कर रहा है मैं रैंक पुश कर रहा हूँ भाई मेरे को उतार दे तो ऐसे मैंने बहुत रिएक्शन्स लाए हैं तो ये एक कॉन्टेंट था जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट में कि मैं लोगों को किडनेप करके भगाता था फिर बाद में मैं माइक नहीं ऑन करता था किसको पता नहीं चलता मैं स्काउट हूँ मैं ना, नाम भी चेंज करके देता हूँ एंड में मतलब भाई मैं स्काउट हूँ फिर इनको मैं आ, अपने लॉबी में बुला के उनसे बातचीत कर अच्छे से फिर उनको मैं गुड बाय करता था hmm. तो उनको एक तो उनका रिएक्शन निकलेगा जेनुइन भाई उनको अच्छा भी लगेगा ये तो अपना बंदा इनको हम देखते हैं ये तो हमसे बातचीत भी कर रहा है तो किसका किसान तो हार्ड फीलिंग्स भी नहीं है कि भाई हमारे साथ गलत किया है कॉन्टेंट के लिए किया है वो भी खुश आप भी खुश एक आपने यूनिक कॉन्टेंट दे दिया अब ऐसा ही है कि आप इसमें क्या यूनिक ला सकते हो वो मैटर करता है खुद की पर्सनैलिटी दिखानी हाँ और अगर लोगों को आपकी पर्सनलिटी पसंद आ गई तो बढ़िया आपके yes, लिए yes. एक कठोर सच यह हर कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए बना नहीं होता fact है फैक्ट है फैक्ट है ये चीज़ लोग हर बंद हर बंदे को कुछ ना कुछ करना है बट 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 आपके अंदर क्या वो चीज़ है जो आप वो जो कॉन्टेंट क्रिएशन में वर्क करिए वो मैटर करता है पहली बात तो भाई शर्म हटा लो अपने ऊपर से कॉन्टेंट क्रिएशन है शर्माना नहीं है शर्म जहाँ तुम्हें शर्म आ गई वहाँ आप अपने आपको एक जगह पे बांध दियो कि ये आपकी लिमिट है जहां शर्मा रहे हो मतलब वो आपकी लिमिट लग गई है है पता है, मतलब इंस्टाग्राम पर अक्सर अगर कोई क्रिंज मीम है या मैंने मैं खुद के भी मीम्स मैं, मैं देखता कभी तो कभी कभी एक बहुत कॉमन कमेंट आता है जहां कोई कमेंट कर देता है मैं तो नहीं सहता और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हाँ इसलिए तू कंटेंट क्रिएटर नहीं है एग्जैक्टली <laughs> <laughs> <हा, exactly. laughs> मतलब आपको अपना कम्फर्ट जोन के बाहर जाना है hmm. आपको पता होना चाहिए देखो बहुत सिंपल चीज है जहाँ शर्मा रहे मतलब कोई तो रीजन है आपको क्यों शर्मा हर आदमी वो नहीं कर पा आप कितने लोग शर्मा रहे होंगे

मैंने सोचा कि अच्छा बस इतना ही है ग्रेट <laughs> <Great. laughs> ये तो हम कर सकते हैं <laughs> और सबसे फन पार्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग बीइंग यूट्यूबर की लाइव में आपका स्क्रिप्ट नहीं होती है आपने वहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग लगा दी आप लाइव हो चुके हो अब जो भी करोगे वो चीज लाइव जा रही है तो आप सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो हर सेकेंड नया है हर सेकेंड एंगेजिंग है

मैं था कि भाई मैं क्लास में देखो यार आई वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बट बट लोगों को बखचौदी मिलती थी मेरे अराउंड लोगों को मजा आता था मतलब मैं अगर वहाँ पे बीस को हंसा पा रहा हूँ ना मतलब मैं यहाँ कर सकता हूँ कुछ काम ऐसा um, ये एक बहुत कॉमन पॉडकास्टिंग सवाल है जो मैं पूछता हूँ लोगों से सोच के जवाब देना ठीक है आई यू अ गुड गाय ट्राइंग टू बी बैड और अ बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड आई थिंक

ये चीज़ मैंने मैं अपने मेरी मेरी शब्द नहीं है ये जितने लोग ने मेरे से लाइफ में मिला है सब यही बोलते हैं स्काउट तू तो, तो अलग है भाई लाइफ में यहाँ अलग है बट एक सिमलरि दोनों जगह पे सेम है <laughs> दोनों जगह पे मैं फ़न वैसा ही हूँ वही हंसी मजाक वही ऐसा फन वाला वाइब है जो एग्रेशन आता है वो एक मेरा स्पोर्ट के साथ आता है जो मैं उस एरिया में ही बंद करके ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल में अगर हम फिजिकल स्पोर्ट खेलते हुए हैं जहाँ पे एग्रेशन से हम बने अगर मैं उस गेम के दौरान जब मैं गाली देता हूँ मैं किसी को मीन करने के लिए देता हूँ उस पार्ट में निकलता हूँ दस सेकंड का ख़त्म हो जाता है मैं उसके लिए कोई मेरे को देता हूँ मैं दिल पर नहीं लेता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हर बंदा वैसा ले बट मेरा पर्सनैलिटी बहुत अलग है रियल लाइफ में मेरा पर्सनैलिटी बहुत अलग है गेम में और लाइव स्ट्रीम पे मैं लाइव स्ट्रीम पे अलग बंदा हूँ जब मैं कंपीट कर रहा हूँ कंप्लीटली डिफरेंट मैं उस टाइम में मैं खुद बोलता हूँ दैट इज नॉट अ गाय हुम आई वांट टू स्पेंड द डे विथ फिर वो बंदे को मैं उस तीस मिनट के गेम के अंदर रहने देना रहना देना चाहता हूँ कि तो भाई तू तीस मिनट का गेम खेल ले बाहर आने का तू भूल जाता वो बट रियल लाइफ में भाई मैं एक सिंपल आदमी हूँ आपके जैसा मे को भी जाके आ, क्या बोलते उसको टपरी पे कटिंग में मजा आता है मेरे को भी ट्रिपला yeah. <laughs> 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 थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपको जानकर पहली बार है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ कभी लाइफ में मिला नहीं हूँ किसी भी इवेंट में भी, भी नहीं आई एम ग्लैड कि यहाँ कैमरे के सामने आपसे मिले आपने स्काउट दोनों को मिलने आपको लगता है यस yes. जो आपको मैंने ये पॉडकास्ट में क्या लिस्ट था वो स्काउट था जो आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा था सारा और पॉडकास्ट के अंदर यस आपने तनवीर सिंह से भी मिल लिया जो एकदम चिल्ले हो भाई पे <laughs> ब्रो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है एक करेज कैन है वो साइन करना श्योर sure, श्योर sure. यहाँ आप साइन कर सकते हो ओके okay.

तन्मय सिंह के लिए स्काउट के लिए नहीं कि जो भी था था। आपने लाइफ में अचीव किया डेफिनेटली uh, वो स्काउट ने अचीव ही किया पर उसके पहले एक तन्मय सिंह था स्काउट इसलिए बना क्योंकि तन्मय सिंह ने बहुत चीजें एक्सपीरियंस कर रखी थी आई फील और uh, ये जस्ट आपका स्टार्ट है ये मैं एज अ ब्रो भी कह रहा हूं यस yes. uh, मतलब आपका ओवरऑल इन माय आईज अब सिर्फ 75 है और आप 97 तक पहुंचोगे 100% तो आई एम जस्ट चीयरिंग फॉर यू ब्रो दिस इज द डर के आगे जीत है करेज अवार्ड इस पूरे सीरीज का

थैंक यू ब्रो थैंक यू तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत मजा आया तन्मय भाई से बात करके क्योंकि दो स्पोर्ट्स फैंस आपस में बात कर रहे थे अगर आप लाइफ में कभी भी कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो ना आप में कुछ ना कुछ बदल जाता है आपका दिल हिम्मत से भर जाता है आप डर को कैसे कॉन्कर करते हो ना ये आप सीखते हो स्पोर्ट्स के मैदान से फुटबॉल से क्रिकेट से ई स्पोर्ट्स से आई होप कि आज आपने ई e स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जाना आई होप कि आप में से कई सारे लोगों ने ये जाना होगा कि यार ये एक बहुत लजिटमिट ग्रोइंग स्पोर्ट है लेजिटमिट और ग्रोइंग इंडस्ट्री है बहुत पैसे अब एंटर होंगे इस इंडस्ट्री में एंड एज तन्मय भाई सेट आई वील कि हर भारतीय को इस इंडस्ट्री के बारे में और भी जानना चाहिए तो दोस्तों अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मुझसे मिलना है कि रणवीर भाई से मिलना तो प्लीज माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और जो टॉप पोस्ट था ना वहां का वहां कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने डर से जीत तक की कहानी विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज खुद की कहानी शेयर कीजिए पांच लकी विनर्स को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून आई वॉन्ट टू हियर योर स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू कीप कंटिन्यूइंग टी आर एस बस तो शुरुआत तो हुई है दोस्तों मेरे भी दिल में बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ी है इस सीरीज़ के थ्रू स्काउट भाई के थ्रू स्काउट लौट कर आएंगे रणवीर भाई लौट कर आएंगे वी सी यू वेरी वेरी सुन कीप सपोर्टिंग एंड स्टे हिम्मती